की जानिब से इनकाद पजीर इस सहरोजा सेमिनार में शमसुर रहमान फारूकी अक्स और शख्स के आज तीसरे दिन के पहले इजलास में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम हजरात का जो हॉल में भी मौजूद हैं और हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मौजूद खातिन व हजरात, नाजरीन, सामईन और हाजरीन, ये सेमिनार शमसुर रहमान फारूकी अक्स और शख्स सह रोज़ा सेमिनार मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की जानिब से। आप देख रहे हैं कि इसका इफ्तिताही इजलास 15 तारीख को सपहर 3 बजे हुआ था। उसके बाद 16 तारीख को 4 इजलास बतरतीब मुनक़िद किए गए और जिसमें कसीर तादाद में मकाले पढ़े गए और बहुत से हजरात हमारे साथ इस सेमिनार में मौजूद थे और बहुत से साहिबान फ़िक्र नज़र बहुत सारी मजबूरियों की वजह से इसमें हमारे साथ शरीक नहीं हो सके। आज ये तीसरे दिन का पहला इजलास है। मैं इससे पहले कि मैं इस इजलास के नाज़िम डॉक्टर जाबिर हमजा को दावत दूं कि वो बाकायदा निज़ामत करें इस इजलास की, मैं चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फारूक साहब की शख्सियत और उनके कामों से तमाम उर्दू दुनिया वाकिफ है और एक तरह से ये एतराफ़ नहीं बल्कि एक छोटा सा एतराफ़ है जो हमने कोशिश की है शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से कि फारूकी साहब की खिदमात का जायज़ा लिया जाए और ये गौर किया जाए कि फारूकी साहब का कोई मनसब उनका मकाम तय करने की हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कि मैंने इफ्तिताही इजलास में भी आपसे अर्ज़ की थी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद उर्दू तनकीद की नज़रिया साजी का और जो बुनियादें उन्होंने फराहम की हैं वो मौलाना हाली ता शमसुर रहमान फारूकी एक अदब की तारीख है और आने वाली नस्लें उस पर गौर व फिक्र किया करेंगी। इस इजलास की अहमियत ये है कि इसके अंदर और हमने सारे इजलासों में तकरीबन ये कोशिश की थी कि फारूकी साहब को फिक्री एतबार से, जहनी एतबार से खराज अकीदत इस तरह पेश किया जा सकता है कि उनके काम का एहतसाब हो, तज्जिया हो, गौर व फिक्र किया जाए और उसके अलावा जो लोग उनके जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर उनके करीब रहे हैं उनको इस सेमिनार में दावत दी जाए उनके मकालात के ज़रिए, उनकी गुफ्तगू के ज़रिए। आपने देखा कि इस इजलास पहले दिन के इजलास के अंदर अहमद महफूज मौजूद थे जो उनके बेनतहा करीब रहे हैं। इसमें हमने प्रोफेसर अतीकुल्ला का कलीदी खुतबा था जिन्होंने फारूकी साहब को बहुत करीब से देखा और समझा और उनके काम को उसका तजिया भी किया है। ये इजलास जिसका आगाज़ अब डॉक्टर जाबिर हमजा करेंगे, इसमें हमने एक और साहिब नज़र और हमारे अहद के एक मुमताज़ मारूफ फिक्शन निगार और मेरे बहुत मोहतरम दोस्त प्रोफेसर जावेद को यहाँ ज़हमत दी है, इसलिए कि वो भी खालिद जावेद साहब भी बहुत करीब रहे हैं फारूकी साहब के और मेरी दरख्वास्त को उन्होंने कबूल किया, आना चाहते थे, तशरीफ़ लाना चाहते थे और हम उनका खैर मकदम भी करना चाहते थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की जानिब से, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थीं, मनसबी जिम्मेदारियाँ थीं जिसकी वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। वो ख़ुद जब अपनी गुफ्तगू करेंगे तो इस बात का इजहार करेंगे। इस सेशन में 4 मकाले हैं। दूसरा मकाला जो है मेरे बहुत मोहतरम दोस्त मेरठ यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का है। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी को फिक्शन निगार की हैसियत से, फिक्शन की तनकीद के हवाले से और सबसे ज़्यादा उर्दू के एक मुजाहिद की हैसियत से उर्दू दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकेगी, ये मेरा ख्याल है और मेरे ख्याल की तायीद आप देखते होंगे तमाम प्रोग्रामों में उससे होती है। डॉक्टर काजमी जो हमारे शोबा ट्रांसलेशन के बहुत ज़िम्मेदार एसोसिएट प्रोफेसर और हेड हैं, तीसरा मकाला उनका है और एक चौथा मकाला और है वो हमारे दोस्त जिनका ताल्लुक़ तो सरजमीन फारूकी से है लेकिन वो हमारे साथ हैं इन दिनों, डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब जिन्होंने काम भी किया है और सोहबतों से फैजियाब भी हुए हैं फारूकी साहब की। तो मैं ये सब अर्ज़ करना चाहता था कि ये सेमिनार हवा में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि हमने किसी शख्सियत का इंतखाब किया और हर किसी से, हर कसनाकस से कह दिया कि वो मकाला लिख कर ले आए, बल्कि हमने उन लोगों को जमा किया यहाँ पर जो फारूकी साहब के फिक्र नज़र से वाबस्तगी का इजहार भी करते हैं और उनकी फ़नी खूबियों और उनकी फ़िक्र के हवाले से अपनी एक राय भी रखते हैं।
प्रोफेसर खालिद जावेद यहाँ मौजूद हैं, ये सबसे बड़ी मिसाल है इस बात की जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मौजूद खातिन व हजरात, हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से, और मुझे जानकर ये खुशी हुई कि फारूकी साहब की दोनों बेटियां भी कल इस सेमिनार में जुड़ी हुई थी ऑनलाइन। हम चाहते थे कि 12 और दूसरी साहबजादी हमारे सेमिनार में बाकायदा बिलमुशाफा तशरीफ लाएं और शरीक हों, लेकिन हमें ये पता चला कि उनकी कुछ घरेलू जिम्मेदारियां हैं। फारूकी साहब के बाद बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए और उनकी तकमील में वो दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से भी और हिंदुस्तान से, अलाहाबाद से और दिल्ली से। मैं आपसे अर्ज करूं और डॉक्टर जाबिर से ये अर्ज करूंगा कि वो आएं और बाकायदा इस इजलास की निजामत करें। इसके बाद एक इजलास और है जिसमें 4 मकाले पेश किए जाएंगे, और उसके बाद 3 बजे आज वेलिडिक्टरी सेक्शन होगा, इसका इख्तितामिया इजलास होगा, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब की सदारत में वो इजलास होगा और वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। लिहाजा मेरी तमाम तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि वो हॉल में भी मौजूद रहें, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं वो ऑनलाइन उससे इस्तफादा, फारूकी साहब के लफ्ज़ों में इस्तफादा हासिल करें। तो मैं डॉक्टर जाबिर से गुजारिश करूंगा कि वहाँ और सेशन की कार्रवाई, मेरे लिए सेशन कई मानों से बहुत अहम है, इसलिए कि इसमें प्रोफेसर खालिद जावेद तो हैं ही, मेरे अजीज़ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी भी मौजूद हैं, और मैं जाबिर एक मिनट और लूँगा, इसलिए कि इस इजलास की सदारत दक्कन के माहिर दक्कनियात और दक्कन के बहुत कद्दावर प्रोफेसर और अदीब प्रोफेसर मजीद बेदार साहब कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस सदारत पर जलवा अफरोज़ हों। प्रोफेसर मजीद बेदार की के बारे में मुझे उनके तारुफ के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा काम डॉक्टर जाबिर हमजा को भी करना चाहिए, सारा ही काम मैं कर दूंगा तो कैसे काम चलेगा। जाबिर आएँ, जाबिर हमारे बहुत होनहार शागिर्द हैं, मैं हालांकि शागिर्द नहीं बनाता, दोस्त बनाता हूँ, लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा भी होता है। जाबिर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम शहरोज़ा कौमी सेमिनार बंगनवान शमसुर्रहमान फारूकी शख्स और रक्स के तीसरे दिन के पहले इजलास में मैं आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ जो यहाँ पे हाजिर हैं, जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज के इस पहले इजलास की सदारत फरमाएंगे हैदराबाद के एक मोतबर मदर्रिस और कसीरु तसानीफ साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मजीद बेदार साहब। इस इजलास में 4 मकाले पढ़े जाएंगे। सबसे पहला मकाला शोबे उर्दू की रिसर्च स्कॉलर रेहाना सुल्ताना का है। दूसरा मकाला डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब का है जो ARD हैं एग्ज़ाम ब्रांच में। तीसरा मकाला प्रोफेसर खालिद जावेद सर का है, और चौथा मकाला प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब का है। मैं पहले मकाले के लिए रेहाना सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शहनशीन पर बराजमान इज़्ज़त नवाब सदर जी वखार सुदूर साहबीन सदर साहब और मेहमानान ग्रामी काबिल इकराम सातजा इकराम अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। महफिल को हमने बहुत सजाया सजा के देख लिया, महफिल को हमने बहुत सजाया सजा के देख लिया, रौनक तो आपके आने के बाद ही लगी।
खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पे ही नाज करती हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम जी। अच्छा, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करती हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम से रोज़ा सेमिनार शम्सुर्रहमान फारूकी शख्स और अक्स अपनी पूरी आबोताब के साथ रवा दवा हैं। मेहमान मुखररी ने ग्रामी मखाला निगार सदर जलसा नाजिम जलसा तो चार चांद लगा ही रहे हैं। हमारे सदर शोभा डॉक्टर जनाब फारूक बख्शी साहब की नज़र करती हूँ, अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है। ऐसा दिल ही सब खुदा सबको कहाँ देता है, जानता खूब है ये बात सारा जमाना, मुदर्रिस ही जो पत्थर को जुबान देता है। मेरा दिल क्यों ना खायल हो तेरी सहरुलिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। नाजिम सेमिनार डॉक्टर अबू शहीम सर की नज़र, मुझको तेरे अंदाज सुखन पर भी नाज है। मुअज्जिज़ असातिज़ा इकराम मसरत मैम शमसुल हुदा दरियाबादी सर, फेरोज सर, बदर सुल्ताना जाबिर सर की नज़र, ये सब मैं अब तक के सेशंस में उलमा फुजला मखाला निगार और मेहमाना ने ग्रामी जी खदर मौजिज़ असातिज़ा इकराम प्रोफेसर साहिबिन ने काफ़ी कुछ गुफ्तगू फरमाई और शम्सुर्रहमान फारूकी साहब की शख्सियत पे बात करना तो गोया सागर को घाघर में भरना है। उन्वान तवील है लेकिन अख्तियार तकरीर बहुत खलील है। मेहमाना ने ग्रामी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ़ ला के यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई फरमाई, सफ़र की सहूबतें झेली। ऐ बाद सबा कुछ तो सुना, मेहमान जो आए हैं गुंचे हैं, गुल हैं, सब्ज़ा है, अब्र बहार है, सब जमा हो चुके हैं, बस एक तेरा इंतज़ार है, तशरीफ़ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है। और डॉक्टर साहबिन जो मेहमाना ने हैं आप आए हैं सो अब जामिया में उजाला है, कहिए जलती रहे शमा या बुझाती जाए। और आपके आने की हसरत भी थी, अरमा भी था, खैर वक्त बहुत कम है तो मेरे मखाले का उन्वान है शम्सुर्रहमान फारूकी साहब का सवाने ही खाका और उनके कारनामे। मैं नहायत इजमाल के साथ बयान कर दूंगी कि यहाँ पे तो एक आम रिवाज ये रहा है कि किसी की ज़िंदगी और शख्सियत के बारे में लोगों को बहुत एक हद तक दिलचस्पी होती है। जैसे कि तमाम उर्दू दुनिया जानती है शम्सुर्रहमान फारूकी अदब की उन शख्सियत में से हैं जिनके ख्यालात पूरी अदबी व इल्मी फिजा पर देर तक और दूर तक असरअंदाज हुए हैं। ऐसी शख्सियतें तारीख साज कहलाती हैं और इल्मी व अदबी तारीख में इनके नखूश बहुत गहरे होते हैं। फारूकी साहब इस शख्सियत के लिहाज इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं कि 20वीं सदी के निसफ आखिर के एक बड़े अरसे पर और आज तक इनके ख्यालात व तसव्वुरात के बगैर कोई बहस मुकम्मल नहीं समझी गई, बल्कि ये कहना शायद ज़्यादा मुनासिब होगा कि फारूकी साहब एक अरसे से हमारी अदबी रिवायत का मरकजी हवाला बन चुके हैं और रोज़ बर रोज़ ये सूरत हाल मजीद रोशन होती जा रही है। उर्दू शेर व अदब से मुतालिक कोई बहस ऐसी नहीं है जिसमें फारूकी साहब के ख्यालात को बतौर हवाला ना पेश किया गया हो। इन बातों की बुनियादी वजह यह है कि फारूकी साहब ने अपनी तहरीर और तकरीर में हमेशा इन ख्यालात का इजहार किया जो या तो बिल्कुल नए थे या फिर इन ख्यालात से पहले जो मौजूद अकायद तसव्वुरात थे उन पर ज़रब पड़ती है। रिसाला शबखून अलाहाबाद गुज़िश्ता 40 बरस से जो जदीदियत जदीद खदीम क्लासिकी उर्दू अदब और उर्दू के मुख्तलिफ नजरी मबाहस को फ़रोग देने में नुमाया तारीखी किरदार अदा करता आया है, ये बात बिला खौफ तरदीद कह दी जा सकती है कि फारूकी साहब जैसा जामे कमालात आज ही के अदब में नहीं बल्कि उर्दू अदब की तारीख में नादिर हैं। अब नाम सवाने ही खाका पेश करने की कोशिश करूंगी मैं। नाम शम्सुर्रहमान फारूकी, इनकी पैदाइश हुई थी 30 सितंबर 1935 को काला कांकर हाउस प्रतापगढ़, इन दिनों फारूकी के नाना जान खान बहादुर मोहम्मद नज़ीर स्पेशल मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की हैसियत से महाराजा प्रतापगढ़ की कोठी काला कांकर हाउस में मुखिम थे। इनका वतन है शम्सुर्रहमान फारूकी का मौज़े कोरियापार ज़िले आज़मगढ़ मऊ यूपी, अब जो माऊ जिसको बोलते वो है। तालीम इनकी बचपन में मजहबी तालीम और इब्तदाई अरबी व फारसी कोरियापार के मौलवी मोहम्मद शरीफ साहब से हासिल की थी। बाद अज़ा इब्तदाई तालीम वेजली हाई स्कूल आज़मगढ़ में 1943 से 48 तक, गवर्नमेंट जुबली हाई स्कूल गोरखपुर 48 से 49 से हाई स्कूल मियाँ जार्ज इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर और बी ए इलाहाबाद से किए
1953 में और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही 55 में एमए किया। और ज़ुबानों से वाकिफियत में उर्दू, अंग्रेज़ी, फारसी, हिंदी। और शादी सैयद अब्दुल खादर फूलपुरी, अपने ज़माने के मशहूर रईस, अलाहाबाद की बेटी जमीला खातून से 1955 में हुई। इनकी औलादें दोनों हैं, मेहर अफशा और बारा। यह हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी हमारे साथ शरीक हैं ऑनलाइन। लेकिन मुलाजिमत इनकी सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया और शिबली कॉलेज आजमगढ़ में भी 1956 से 58 तक अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। 1957 में सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके 58 में इंडियन पोस्टल सर्विस में शमूलियत अख्तियार की और हुकूमत हिंद के पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के मेंबर की हैसियत से जनवरी 94 में सुबुकदोश हो गए। इनकी तसनीफात में अदबी तनकीद और इनकी पहली किताब है लफ्ज़ो माना जो 1968 में और दूसरी किताब है फारूकी के तबसरे 1968 में और शेर गैर नसर और उर्दू नसर ये शेर गैर शेर और नसर 1973 में और मशमूलात इसके अफसाने की हिमायत में ये चौथी किताब है इनकी। और पांचवी है तनखीदी अफकार जो 1983 में 1983 में और छठी किताब है अजबात व नफ़ी और सातवीं किताब है तफहीम गालिब जो 1989 में मकतबे जामिया नई दिल्ली से और तफहीम गालिब। और आठवीं किताब है शेर शोर अंगेज़, इसका शोर तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। शेर शोर अंगेज़ की जिल्द दुवम आई 92 में और शेर शोर अंगेज़ जिल्द सुवम आई 93 में और शेर शोर अंगेज़ की जिल्द चहारुम आई 94 में। और इसके बाद इनकी बारहवीं किताब है अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तेरहवीं है उर्दू गज़ल के अहम मोड़। और दास्तान है अमीर हमज़ा इनकी चौदहवीं किताब है ज़ुबानी बयान या बयान कुनिंदा और सामाइन 1998 में आई ये किताब। और पंद्रहवीं है उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उसके बाद है साहरी शाही साहब कुरानी, फिर ये सत्रहवीं किताब लिखते हैं गालिब पर चार तहरीरें, गालिब चंद पहलू, फिर लिखे हैं उरूज़ और बयान, उरूज़ आहंग और बयान, ये 1977 में शाये हुई और ये दर्स बलागत 1981 में। और सवार और दूसरे अब शायरी में भी इनके हैं गन सोख्ता, सब्ज़ अंदर सब्ज़, चार सिमत का दरिया, आसमां मेहराब। और फिक्शन में है सवार और दूसरे अफसाने और मुरतब किताब शेरियात हैं इनकी। और मजामीन के मजमूए हैं, अंग्रेज़ी किताबें हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ट्रांसलेशन की किताबें हैं और ज़ेर तबा और ज़ेर तकमील किताबें भी काफ़ी हैं जैसे ताबीर की शरह, फारूकी के तबसरे, तज़मीनुल लुग़ात, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, शेर शोर अंगेज़, हिंदी तलखीस और तर्जुमा अलाहाबाद से, सवार और दूसरे अफसाने, फारूकी के अफसाने, कई चांद थे सरे आसमां और बहुत सारे इनके इनामत और एजाजात हैं। सर टाइम है इनामत एजाजात छोड़ दो, अच्छी बात है। यूपी से उर्दू एकेडमी से इनको इनामत एजाजात अता किए गए, ऑल इंडिया मीर एकेडमी से दिए गए, फिर यूपी उर्दू एकेडमी से फिर 78 में दिया गया, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, ऑल इंडिया मीर एकेडमी से मिला, लखनऊ से सरस्वती सम्मान मिला 1996 में, भारतीय फनकार बंगाल उर्दू एकेडमी भारतीय फनकार, बहुत सारे इनामत और एजाजात मुल्की मिले हैं और गैर मुल्की इनामत और एजाजात भी बहुत मिले हैं। शहर बाल्टीमोर अमेरिका की एजाजी शहरियत मिली है 1986 में, पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया अमेरिका में एडजंक्ट प्रोफेसर शोबे एशिया मुतालियात ये 1991 में से अब तक ताहाल तक, बैरूनी ममालिक के असफार और लेक्चर्स भी बहुत हुए हैं जनाब शमसुर्रहमान फारूकी साहब के, इंग्लिस्तान अमेरिका कनाडा थाईलैंड स्वेत यूनियन पाकिस्तान लाहौर इंग्लिस्तान और अमेरिका में, अमेरिकी शहरों में, कोलंबिया में, कैलिफोर्निया बर्कले लंदन और कई एक मुशायरे हुए और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए। अल्लाह पाक मरहूम की जवार रहमत करे और गरीख रहमत करे और आप सबसे समात खराशी के लिए बेइंतहा माफ़ी की खासगार तालिबा रेहाना सुल्ताना सर आप लोगों का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया सर, और सब जो जो भी शरीक हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबका शुक्रिया सर, अल्लाह बहुत शुक्रिया रेहाना सुल्ताना साहिबा। अभी आप रेहाना सुल्ताना साहिबा को समाप्त फरमा रहे थे। हमारे दूसरे मकाला निगार हैं
डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब। डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब का बराह रास्त ताल्लुक फारूकी साहब से रहा है। आप खुद इलाहाबाद के हैं और फारूकी साहब से आपने बहुत इस्तेफादा किया है। फारूकी साहब के इंटरव्यू पर दो जिल्दों पर एक किताब आई है, फारूकी महवे गुफ्तगू, आपने उसको तरतीब दी है। मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब से, जो ARD हैं एग्ज़ाम ब्रांच में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, आप आएँ और अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर रहील सिद्दीकी सर। मोहतरम सदर शोबे उर्दू फारूक बख्शी साहब और सदर मजलिस प्रोफेसर खालिद जावेद साहब जो ऑनलाइन हैं, और हमारे दोस्त असलम जमशेदपुरी साहब। पहली बात तो मैं शोबे उर्दू का शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे लोगों को, जो हम लोग गैर तस्लीम किए जाते हैं, मतलब गैर तदरीसी से वाबस्तगी है, तो मैं आप लोगों का शोबे उर्दू का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को मौका दिया इन्होंने। वैसे हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हम लोगों को बंद करके रखा जाता है, और 9 बजे से 7 बजे तक हम लोग वहाँ बंद रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहरहाल मैं आया नहीं कभी, 5 साल हो गए, मैं ऊपर से थर्ड फ्लोर से नीचे नहीं उतरा। पहली बार ऐसा हुआ है कि फारूक बख्शी साहब ने मुझे दावत दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए जो इंतखाब है मौजू का, फारूकी साहब का इल्मे व अदबी सफ़र, इधर जब मैंने इसका मुहासबा किया तो मैंने देखा कि ये तो इतना तवील मौजू है कि ये तो पूरा उनका अदबी सफ़र। अब अदबी सफ़र जब मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ से शुरू होता है, फारूकी साहब 10 साल की उम्र में एक रिसाला निकालना शुरू करते हैं, आप लोगों को मालूम हो जैसे, जिसका नाम है गुलिस्तां। और 10 साल की उम्र थी ये उस ज़माने में, और उसके जो उसमें अफसाने जो तनकीदी मजामीन 10 साल की उम्र में फारूकी साहब लिखते थे, उस अफसाने में और आज भी जो लिख रहे थे वो, उसमें उनकी नज़रियात में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मैं शुरू करता हूँ अपना मकाला। किसी अदीब के कारनामे को समझने और समझाने के लिए 3 चीज़ों का मुताला नागुजीर होता है। पहला नस्ल, दूसरा माहौल, तीसरा ज़माना यानी मुआशरती पस मंज़र। नस्ल और माहौल को किसी न किसी हद तक हम तारीख का पाबंद कह सकते हैं। एक सवाल के जवाब में फारूकी साहब ने कहा था कि टैगोर की शख्सियत में 3 अनासिर ने हिस्सा लिया है, हिंदू धर्म, अंग्रेज़ी और इस्लाम। इस वक्त मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि इस बात से कतई नज़र टैगोर बड़े आदमी थे और मैं उनके सामने कुछ न था, लेकिन यही 3 बातें मेरी भी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे यहाँ इस्लाम का नंबर अव्वल है। यहाँ एक बात मैं बता दूँ कि हमने करीब 500 सवालात फारूकी साहब से पूछे थे, और प्रोफेसर अहमद महफूज भी उसमें शामिल थे, मैं था, तो वो करीब 600 पेज की किताब हुई जो हम लोगों ने महवे गुफ्तगू के नाम शाया किया था। फारूकी साहब का जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, मतलब अफसाने की तनकीद, शरियात, नसर और गैर नसर, हम लोगों ने पूरा उसमें अहाता किया था। और मैं समझता हूँ अगर उसको पढ़े कोई
तो जो देखे तो लगता है कि यह एक पूरा जो उनका नज़रियात है उस अफसाने में, उस किताब में आ जाता है। अच्छा, फारूकी साहब की खासियत ये थी कि वो कभी भी अपने ज़ाती ताल्लुक से सवाल नहीं पूछने देते थे। मैंने उनसे कई बार पूछा कि भाई आप अपना तख्लीकी सफ़र कहाँ शुरू किया बताइए, तो कहा कि मेरा क्या, मेरी क्या औकात, मैं अदना आदमी हूँ। तख्लीकी सफ़र उसका होता है जो जो समझ लेता है कि उसका काम मुकम्मल हो गया, और अभी तक मेरा कोई काम मुकम्मल नहीं है। उमूमन ये बातें वो कहते थे। और हम लोग जे एन यू में थे, फिरोज़ वगैरह जानते हैं कि जब हम लोग जे एन यू से जाते थे तो मेरा घर इलाहाबाद से 60 किलोमीटर था, तो मैं उमूमन फारूकी साहब के यहाँ रुक जाता था। तो फारूकी साहब ने मुझे एक काम दे दिया था अदीबों के खतूत इकट्ठा करने का, तो उसमें उनके जो भतीजे हैं महमूद फारूकी, जो दास्तान गो भी हैं, तो वो भी अक्सर शामिल होते थे। तो हम लोग खतूत जब इकट्ठा किया हम लोगों ने, तो उसी खतूत में कलीमुद्दीन अहमद साहब के खतूत, अस्करी साहब के खतूत, मतलब इतने ज़्यादा खतूत हैं कि कम से कम 4-5 जिल्दें तो खतूत के फारूकी साहब के पड़े हुए हैं। और इधर कई साल से मुझे वो कहते रहे, लेकिन हम लोग, मैं कभी भी यहाँ से इलाहाबाद जाना होता नहीं था। बहरहाल वो पड़ा हुआ है अभी तक, अब पता नहीं वो क्या होगा क्या नहीं। तो और उनकी इतनी किताबें, कम से कम अभी अगर उनका जो जो शायशुदा नहीं है, जो मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो 10 जिल्दें होंगी। अगर 300-300 पेज की बनाए गए तो 10 जिल्दें अभी तक पड़ी हुई हैं, जिनका जो है वो कहते हैं ना कि जो मंजरेआम पर नहीं आए, जो लोग बहुत चीज़ें नहीं जानते। अब जैसे उनके जो बचपन के रसाले थे, उनका पहला नावल जो दलदल से बाहर, जो शायद किसी कहीं है ही नहीं, हम लोगों ने बहुत पूछा तो उन्होंने बताया नहीं कभी। और फिर उनके एक दोस्त थे अबरार आज़मी, उन्होंने निकाल करके वह दलदल से बाहर को शाया किया। और वो उन्होंने कब लिखा था, जब 10वीं क्लास में थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आदमी 10 साल से रिसाला निकाल रहा है 13 साल तक, और अपने हाथ से लिख करके वो रिसाला निकालता है, उसमें जो बातें वो लिखते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि फारूकी साहब के नज़रियात में तब्दीली आई है, उन्होंने यहाँ छोड़ के ये पकड़ लिया है, आप 10 साल का रिसाला निकालिए जो 14 साल में लिखा है, जो नावल वो इंटरमीडिएट में लिखते हैं, या जो उनके मजामीन 1960 में शाये होता है मजमून, और उसके बाद जो 2000 में शाये होता है, आप उसके नज़रियात देखिए, उसको पढ़िए। मुझे चूंकि उनकी सभी किताबें पढ़ने का मतलब, मैं ऐसे शौक़ में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो मुझे उठा के दे देते थे। ये फिरोज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि उनकी सब किताब में, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने को कि उनकी सब किताब में मेरा नाम ज़रूर है, या इशारिया बनाने में या उसको प्रूफ रीडिंग करने में। वो दयानतदारी का इतना अहतमाम करते थे कि हर किताब में, अपनी किताब में अगर मैंने देखा है कि थोड़ा सा किताब में हमने काम कर दिया तो वो उसका शुक्रिया अदा करते थे। सफीम गालिब देख लीजिए, कोई भी किताब देख लीजिए, हमारा महफूज का नाम उसमें लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करते थे, उनका वो इंडेक्स बना देते थे बस, उनका इशारिया। तो उस ताल्लुक से मुझे पूरी किताबें पढ़ने का एक इत्तेफाकी समझ लीजिए कि मुझे हुआ। तो बाद में उसी किताबों से मैंने वो सवाल निकाल लेता था, और 500 सवाल हमने बनाए, और फिर लगातार 2 महीने लगातार वो इंटरव्यू चला। फिर उसको हम लोगों ने शाये किया, अभी एक जिल्द शाये हुई है, एक गुलबर्गा एकेडमी ने शाये किया है अनीस सिद्दीकी साहब के साथ मिलकर, वो उन्होंने अभी वो दो एक जिल्द, और उनकी एक किताब मेरे कंप्यूटर में पड़ी है। 6 साल से मैं जब एग्ज़ाम ब्रांच में आ गया तो रोज़ वहाँ से शिकायत करते थे, मैं अपने बच्चे से कहता था कि फ़ोन ऐसा कर दो कि ना ट्रिसिबल बताए। तो फारूकी साहब मतलब वो इतने शरीफ आदमी थे, वो सोचते थे कि नहीं मिल रहा है, तो वो मेरी वाइफ से शिकायत करते थे। बाद में मुझे बुलाया, कहा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाते, तुमको काम करना है कि नहीं करना।
अब मैं अपने को एक तरह से मुजरिम महसूस कर रहा हूँ कि वो तीन किताबें अभी कंप्यूटर में पड़ी रह गई और उनकी ज़िंदगी में वो शायद नहीं हुई। तो ये फारूकी साहब का जो इल्मी सफ़र इतना तवील है कि तकरीबन 75 वर्षों पर मुहित है। सन पहला नावल उनकी उनका जो पहला मजमून छपता है तकरीबन ये 1945 में उनका पहला मजमून शाया होता है। शमसुर्रहमान फारूकी के अदबी सफ़र का आगाज़ मस्कूरा बाला अनासिर के बीच वकूफ पजीर होता है। 75 वर्षों पर मुहित एक तवील सिलसिला है। फारूकी साहब 1935 में पैदा हुए, कम उम्र में ही एक रिसाला गुलिस्तां के नाम से निकालना शुरू किया। ये तकरीबन 1935 की बात है। गुलिस्तां के बारे में लिखते हैं कि ये तकरीबन 12 या 16 सफ़े पर होता था जिसमें मैं अपने नज़्म और नसर दर्ज करता था और पढ़ने वालों में मैं होता था और मेरी बहन होती थी, घर के दूसरे बच्चों को हम लोग शामिल कर लेते थे। उसी ज़माने में जब उसी ज़माने की बात है, यह 45-46 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें एक मजमून उर्दू मरसिए की नशोनुमा, ये अपने से जो आदमी 12 साल का है वो लिख रहा है उर्दू मरसिया की नशोनुमा। वो जब शाये होता है तो उनके वालिद साहब उसको देख कर कहते हैं कि उसमें अरूज की गलतियां हैं। 12 साल की उम्र में फारूकी साहब को अरूज और बहरे व अदीब सिखाई जाती है। ये सिलसिला 1947 तक जारी रहता है। अब 48 ही में फारूकी साहब का एक नावल शाये होता है जिसे कहते हैं दलदल से बाहर। हम लोगों ने बहुत तलाश किया और मिला नहीं। बहरहाल किसी तरह से अबरार आज़मी साहब ने उसको निकाल कर शाये किया। दलदल से बाहर जो म्यार मेरठ में शाये हुआ था, म्यार में म्यार निकलता था 1950 के आसपास, उसी में शाये हुआ था। फारूकी साहब इस नावल का जिक्र करते थे लेकिन कहीं उसका दस्तयाब नहीं हुआ। अबरार आज़मी ने उनकी निगारशात को बाज़याब्त फारूकी के नाम से किताबी शक्ल दी है। फारूकी साहब के 2020 में इंतकाल हुआ है और ये नावल को हम लोगों को बाद में मतलब 2021 को पढ़ने को मिलता है। और अपने उस ज़माने में उसको उन्होंने इतना छुपा के रखा था कि वो सोच रहे थे कि ये नावल ऐसा है कि बचपन का नावल है इसमें, तो ऐसी बात नहीं है लेकिन जो नज़रियात हैं उनके तकरीबन वही मिलते हैं। फारूकी साहब की इल्मी काविश को मद्देनज़र रखते हुए उनके थे इब्तदाई दौर से लेकर के आखिरी दौर तक का अहाता करने के बाद ये मालूम होता है कि जो नज़रियात उन्होंने इब्तदाई दौर में बना लिए थे उसी नज़रियात पर आखिरी दम तक कायम रहे और अपने क्लासिकी सरमाए के इस्तनाद से जो उन्होंने नज़रिया हासिल किया उसको आखिरी दम तक कारीन तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे और उसी पर सख्ती से कारबंद रहे। मेरी किताब फारूकी गुफ्तगू में उनके तख्लीकी सफ़र के बारे में तकरीबन 100 पेज मैंने उसमें जिक्र किया था। आखिर में उन्होंने कहा था कि हमारे जैसे लोगों का तख्लीकी सफ़र का जिक्र करने से तुम्हें फ़ायदा क्या है। मैंने कई बार उनसे कहा कि आप अपना समाने उम्री आप अपना खुद नवी सामने तहरीर करिए, तो उन्होंने महफूज को पहले ये काम दिया तो महफूज मसरूफियत की वजह से दूर होते चले गए। उसके बाद ये काम मुझे सौंपा गया। मैंने कुछ शुरू किया, उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई और कहा कि इसको दर्ज न करना नहीं फसाद फैलेगा, और उनके जो खतूत हैं उसको उन्होंने पैक करके रखवा दिया। उसकी वजह से ये है कि कई लोगों के नाम उसमें ऐसे आते हैं जिसका जिक्र जो है तो मुनासिब नहीं है करना। तो फारूकी साहब का हज़ारों सफ़ात का कारनामा ऐसा है जो मंजर आम पर आएगा। मुझे पढ़ने के लिए पहली बार मौका मिला है। 15 साल पढ़ने के साथ टच भी कर रहे हैं। 15 साल के बाद मतलब 15 साल हमको लोग मुंह बंद रखना पड़ा था।
शफ़ून की इशात का भी बड़ा दिलचस्प वाक़िया है। फारूकी साहब अपने मजामीन भेजते थे दूसरी जगह, लेकिन कहीं शाया नहीं होते थे और वापस आ जाते थे। आखिर में वो हैरान होकर उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है लगता है। 3-4 साल मुसलसल मजमून भेजते थे, जब कहीं से नहीं छपा तो 1966 में फारूकी साहब की वाइफ बीवी ने ये कहा कि हम रसाला खुद निकालते हैं। तो एहतशाम साहब की इदारत में शफ़ून को शाया किया जाता है 1966 में, और उसके बारे में वो लिखते हैं। शफ़ून की इशात को अपना दूसरा जन्म मानते हैं वो। उन्होंने अक्सर इसका इजहार किया है कि इस बात में कोई शक नहीं कि शफ़ून उनका ऐसा रिसाला है जो गुमनामी और हज़ारों लिखने वालों को मंजरेआम पर लाता है, और शायद अगर शफ़ून न निकलता तो मैं भी गुमनाम रह जाता। फारूकी साहब ने अपने रिसाले उस ज़माने के रिसाले के मुदीरान के हवाले से अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी भी रिसाले ने शाया नहीं किया। जब मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि तुम्हारे मजामीन इस लायक नहीं कि जो रिसाले में शाया किए जाएं, अभी वक्त दरकार है, अभी कुछ पुख्तगी पैदा करो। और बाद में वही मजमून लफ्ज़ुमानी में शाये होते हैं। ज़ैल में हम उनके अदबी सफ़र का जायज़ा लेते हैं। देखिए, फारूकी साहब बहसियत नक्कात, फारूकी साहब बहसियत मुहक्किक, फारूकी साहब बहसियत नज़रिया साद, फारूकी साहब बहसियत शायर, फारूकी साहब बहसियत अफसाना निगार, बहसियत नाविल निगार, लुगत निगार, अदबी सहाफ़ती इदारा, मुतरजिम, उरूज़ो बयान और शफ़ून की इदारत, मुख्तलिफ मौजूआत उनके हैं। और ये तकरीबन बहुत तवील है रसाला वो मजमून। उनकी तसानीफ़ की एक तवील फहरिस्त में है। हम उनके अगर एक एक किताब का जायज़ा लेंगे तब भी ये तकरीबन 100 पेज का मजमून बनता है, इसलिए मैंने मुख्तसर करते हुए उनके अदबी तनकीद के हवाले से और अफसाने के हवाले से बातें की हैं। अदबी तनकीद उनकी, उसमें 10-15 की जो किताबें हैं, उनके जो नज़रियात हैं जो 1968 में शाये हुए थे और जो 2000 में शाये होते हैं, आप देख लीजिए उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उसी तरह फारूकी साहब का जो अफसाना है, अफसानों की तनकीद, वो 80 से 82 के बीच में शाये होते हैं। और पहली बार 2-3 बातें ऐसी हैं कि वो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आप लोगों को जानते भी होंगे कि उर्दू बयानिया क्या होता है, बयान कुनिंदा क्या होता है, वाकया और बयान कुनिंदा का जो ताल्लुक है वो क्या है, ये पहली बार फारूकी साहब जिक्र करते हैं। आप 1980 के पहले आप नहीं बता सकते, 1980 के पहले किसी भी अफसाने की किताब में बयानिया लफ्ज नहीं आता। अगर आपको किसी को बात दिखा दें, बताएं किसी भी मुसन्निफ ने बयानिया, ये जो इस्तलाह थी बयानिया का, तो फारूकी साहब पहली बार उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ 1980 के बाद 80-82 में किताब शाया होती है अफसाने की हिमायत में। फिर उसकी जवाब में अफसाने की तिरछी नज़र, अफसाने की कितनी किताबें शाये हुई, और उसी में की जो उसकी जो इस्तलाहात थी उसी को हवाला बना के लोग फारूकी साहब पर एतराज़ करते थे। और फारूकी साहब को जब एतराज़ करते थे कि फारूकी साहब ने तो क्लासिक में पनाह ले लिया, लेकिन वो जो अफसानी किताब शाये हुई थी, तो मैं उसके बारे में एक बात बताऊँ, तो उनका एक अफसाना शाये हुआ था लाहौर का वाकया, मीर इन सोहबतों में आखिर के बाद लाहौर का एक वाकया। लाहौर का एक वाकया उर्दू फिक्शन के तनकीद का बेहतरीन नमूना है, आप पढ़िए। उसमें आपको दिखाई देगा कि बयान कुनिंदा, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है, वो किस तरह से रावी के साथ बात करता है। जो फारूकी साहब 1920 में अपनी तनकीद में जिक्र करते हैं,
और उसको वो अपने अफसानों को में इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि फारूकी साहब के नज़रियात बदल गए, नहीं बदले, तो एक लफ्ज़ उन्होंने उनको नहीं बदला। आप देखिए, मैं उनके अफसाने पढ़िए और उनकी तनकीद पढ़िए। दरअसल बात यह है कि जो उमूमी बातें होती थी पहले कि अफसाने में प्लाट किरदार निगारी है, दुनिया भर के फारूकी साहब ने उससे अलग हट के कि जो अफसाना सिर्फ वो नहीं होता कि किरदार प्लाट के इंस्टेंस बनता है, अफसाने में यह है कि उसका बयानिया किस तरह का होता है, और उसी के हवाले से वहीं से उर्दू का इब्तदाई जमाना देख लीजिए। उर्दू को इब्तदाई जमाना देखिए और फारूकी साहब की पहला मजमून देखिए जो 1968 में शाये होता है। फारूकी साहब वहीं से कहना शुरू करते हैं कि उर्दू के माने लश्कर के नहीं होते, अब कहीं है भी नहीं, वाकई कहीं नहीं है। उर्दू के माने लश्करगाह जो कैंप वगैरह होता है उसको कहा जाता है, और अकबर के ज़माने में भी होता है, ये उसी ज़माने में शुरू हुआ था। अकबर के पास कोई किला वगैरह तो था नहीं, अकबर ये करते थे कि उनका पूरा लाखों आदमी का एक कैंप चलता था, उसको उर्दू मतलब लश्कर कहा जाता था, और उर्दू के माने लश्कर नहीं होते थे, कभी भी किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग कहते हैं उनको देखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फारूकी साहब ने अफसाने की तनकीद के बारे में जो किताब लिखी और जो अफसाना लिखते हैं उन दोनों का तालमेल बहुत है, उसी नज़रियात को अफसाना लिखते हैं, और उर्दू के बारे में जो नज़रियात थे उसी के ज़माने में उर्दू का इब्तदाई ज़माना लिखते हैं, उनका काम ही था। मैंने किताब में जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने नज़रियात की इशाअत कर रहा हूँ, शुरू से इब्तदाई दौर से जो उनके नज़रियात थे उसकी इशाअत कर रहे हैं। पूरी तहरीर उनके उर्दू तहजीब और उर्दू क्लासिकली सरमाए की बाजियाफ्त का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप डॉक्टर रहील सिद्दीकी सर से शम्सुर रहमान फारूकी साहब फारूकी का इल्मी और अदबी सफ़र के उन्वान से मकाला समाप्त फरमा रहे थे। हमारे अगले मकाला निगार हैं प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी सर, सदर जो सदर शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ हैं। आप मौजूदा अहद में उर्दू अफसाने के एक मोतबर और मुनफरिद आवाज़ हैं। आपकी कई सारी तख्लीकात शाये हो चुकी हैं जिनमें उफुक की मुस्कुराहट, लेंड्रा, कहानी महल, ईदगाह से वापसी और कई तनकीदी किताबें जैसे उर्दू अफसाना, तरक्की पसंद और दूसरा और उर्दू हम और हम असर, अफसाना निगार, जदीदियत और उर्दू अफसाना और कई सारी ऐसी किताबें हैं जो आपने तख्लीक की हैं। आप रिसर्च स्कॉलर फोरम भी चलाते हैं, ख़ास तौर से आप नौजवान कलमकारों को की हिमायत करते हैं, आप उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और आपकी पूरी कोशिश ये रहती है कि आप नौजवान कलमकारों को सामने लाएं, और आप की ये कोशिश हमने कई बार देखी है। आप जो रिसर्च स्कॉलर फोरम चलाते हैं उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे नए कलमकार हैं जो हमारे सामने जिनको हमने पहली बार सुना है वो आप ही के वजह से है। सर से मैं बहुत ही अदबन गुजारिश करता हूँ कि सर आप अपना मकाला पेश करें। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे मौजूद सर प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, सर शोबे उर्दू मानू प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब और दीगर ऑनलाइन
और ऑफलाइन मौजूद शुरका सामिन इकराम और अजीज तलबा और तालिबात, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू जदीदियत और शम्सुर रहमान फारूकी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बता दूं कि शम्सुर रहमान फारूकी से मेरा भी एक ताल्लुक़ ख़ास बनता है। 2010 में जब हम लोगों ने एक सेमिनार आलमी सेमिनार मुनक़िद किया तो उसके इफ्तिताही इजलास में शम्सुर रहमान फारूकी साहब तशरीफ लाए। मौजू था उर्दू अफसाने के 25 साल 1985 ता 2010। इस पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए। एक बयान जो उन्होंने उर्दू अफसाने के मुतल्लिक कहा, बड़ी बेबाकी से कहा कि उर्दू में इस वक्त अफसाना लिखा नहीं जा रहा बल्कि सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है। तो इस बयान को अखबारात ने भी बहुत उससे छापा और जो मौजूद शुरका थे उन्होंने भी इसे दूसरे तौर पर लिया। ये अलग बात है, जब मैं तालिब इल्म था जामिया में एमए कर रहा था तो नीरव फारूकी साहब वहाँ एमेरिट प्रोफेसर थे और उनके अक्सर लेक्चर होते थे, मैं उनमें शरीक होता था, उनके बहुत करीब रहने का मुझे शर्फ हासिल है। ये अलग बात है कि जिस तरह से उनके शागिर्द उनके बहुत करीब रहे हैं, मैं कभी उनके उस तरह से करीब नहीं रहा, लेकिन फारूकी साहब मुझे मानते बहुत थे। फारूकी साहब के बहुत सारे कारनामे आपने देखा और सुना कि अभी रही साहब या उससे पहले दो दिन में फारूकी साहब के मुख्तलिफ कारनामों पर रोशनी डाली गई है। फारूकी साहब जहां नावल लिखते हैं, कई चांद थे सरे आसमां, ये उनका नावल की दुनिया में एक बड़ा कारनामा है। अफसाने की दुनिया में सवार और दूसरे अफसाने, वो उनका बड़ा कारनामा है। तनकीद की दुनिया में अलग नाम है उनका। तनकीद में अगर हम बात करें फिक्शन तनकीद की, तो भी उस फिक्शन तनकीद में भी अफसाने की हिमायत में और दीगर कई किताबें उनकी जो है हमें मबजूल करती है। शबखून का निकालना एक बड़ा कारनामा है। शबखून पिछले तकरीबन 50 साल उन्होंने शाया किया। शबखून के ज़रिए उन्होंने अपने नज़रियात को आम करने की कोशिश की और शबखून में वो मज़ामीन, वो अफसाने या नावलों के हिस्से शाया किए उन्होंने जो उनके नज़रियात के हामी थे। इसी के साथ उन्होंने उर्दू ज़बान के इब्तिदा के मुतल्लिक जो गलत फहमियाँ हैं उनका अजाला किया। उन्होंने उर्दू का इब्तदाई ज़बाना एक किताब लिखकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि उर्दू के इब्तदाई नज़रियात के मुतल्लिक मंजरनामा बिल्कुल साफ कर दिया, जैसा कि अभी रईस सिद्दीकी ने बहुत तफसील से आपको बताया। लेकिन मैं समझता हूँ उनका सबसे बड़ा कारनामा उनका जदीदियत को आम करना है। जदीदियत के ताल्लुक से शम्सुर रहमान फारूकी ने जो कुछ भी किया उसको आम करने के लिए जो तरीके अपनाए, मतलब शबखून निकाला, शबखून के ज़रिए और एक नस्ल की तरबियत की। तो जदीदियत क्या है? जदीदियत को समझने के लिए हमें तरक्की पसंदी पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। तरक्की पसंदी में माशरे की बात की जाती थी, पूरे माशरे को हम लेकर साथ लेकर चलने को तरक्की पसंदी का नाम दिया गया। हाशियाई किरदार भी उसमें जो है
अहम जगह पाते हैं, लेकिन दोनों तहरीक, एक तहरीक और एक रुझान के दरमियान में हद फाजिल अगर आप तलाश करें तो तकसीम का अलमिया है। तकसीम के अलमिये ने माशी का वो तसव्वुर जो है, जो तसव्वुर अब से पहले हमारे यहाँ था कि माशी की बात की जाती थी, यानी खारिज में जो कुछ हम देखते थे खारिज से बातिन की तरफ सफर था तरक्की पसंदी में, लेकिन तकसीम के अलमिये ने उस सब को पारा पारा कर दिया। तकसीम में हम माशे के जरिया फर्द पर जो जुल्म सितम हुए, फर्द पर जो तनहाई का आलम तारी हुआ, जो अपने साए से भी फर्द डरने लगा, इसने एक नई रुझान की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई। और 1955 से लेकर 1960 का ज़माना जो है वो ऐसा ज़माना है जिसमें तरक्की पसंदी तो एक तरफ जवाल पजीर होती जा रही है, उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन एक रुझान जो है जिसे हम जदीदियत का रुझान कहते हैं वो ऊपर आ रहा है। और 1960 आते आते जदीदियत ने तरक्की पसंदी की जगह ले ली, जदीदियत रुझान की शक्ल में हमारे सामने आया और हमारे जहनों पर छा गया। जदीदियत में ऐसा क्या था, फर्द की बात की जाती थी, फर्द को अहमियत दी जाती थी, मतलब जाहिर से बातिन का सफर, बातिन में एक शख्स के अंदर क्या हो रहा है, तहलील नफ्सी क्या है और उस शख्स के अंदर क्या क्या कुछ पनप रहा है, इस सब को जदीदियत ने आम करने की कोशिश की। फारूकी साहब खुद कहते हैं, मकाला जो है तवील है मैं इसलिए गुफ्तगु कर रहा हूँ, फारूकी साहब खुद जदीदियत ताल्लुक से कहते हैं, देखिए नारंग साहब के बकौल ये पद साख्तियात की ही सूरत हाल है, यानी माँ बाप जदीदियत कोई नजरिया नहीं बल्कि एक सूरत हाल और रवैये का नाम है, जबकि जदीदियत एक रुझान के तौर पर 1960 के आसपास पारित हुई। जदीदियत को आम तौर पर तरक्की पसंदी की जिद माना गया, जबकि ऐसा नहीं था, ये ज़रूर था कि जदीदियत ने तरक्की पसंदी के बरक्स माशे की बजाय फर्द, जाहिर की बजाय बातिन और समाज माशे की ज़हनी कैफियत की बजाय फर्द की बातिनी कैफियत को समझने की कोशिश की, लेकिन जदीदियत ने अदब को समझने के पैमाने भी मुकर्रर किए। शमसुर्रहमान फारूकी ने बड़ी तफसील से जदीदियत के मुतल्लिक अपनी किताब जदीदियत कल और आज में खुलकर गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कोट, जदीदियत को तरक्की पसंदी की मुखालिफ तहरीक कहना गलत है, जदीदियत एक रुझान है और उसकी फिक्री बुनियादें तरक्की पसंदी से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तरक्की पसंदी की जिद में नहीं बल्कि आज़ाद अदबी वजूद के तौर पर कायम हुई है। जदीदियत के लिए समाजी शऊर या जिम्मेदारी कोई मसला नहीं, तमाम अदब समाज और माशे ही में पैदा होता है। हाँ, जदीदियत को सियासी वाबस्तगी पर इसरार नहीं और ना वो किसी सियासी मसलक की रहनुमाई कबूल करती है। सियासी वाबस्तगी या सियासी रहनुमाई को कबूल करने के नतीजे में फनकार की आज़ादी राय और आज़ादी फिक्र पर ज़र्ब पड़ती है, और जदीदियत का बुनियादी मौक़िफ़ आज़ादी इजहार और फनी शऊर पर अदब पाबंदी का इसरार है। जदीद तहरीरें इसलिए मुश्किल हैं कि पढ़ने वालों के ज़हन अभी उनसे आशना नहीं, फिर ये भी है कि हर नई तहरीर, हर नया ख्याल, हर नया तर्ज फिक्र अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है। एक बात यह भी है कि इश्काल और इबहाम इजाफी चीज़ें हैं। जदीदियत इस तौर पे आपने देखा कि फारूकी साहब जदीदियत को मुख्तलिफ शब्दों में उसकी तारीफ करते हैं। जदीदियत को आम करने के लिए उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की।
जदीदत के ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि एक रुझान है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन तरक्की पसंदी के बाद जो एक खला पैदा हो गया था, अदीबों के पास एक कोई नजरिया नहीं था। ये अलग बात है कि जदीदियत मगरिब में 1930 में तकरीबन दम तोड़ चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ 1960 में इसकी इब्तदा हुई, इसको फिर से शुरू किया गया। ये अलग बात है कि फारूकी साहब ने मगरबी मुफक्किरीन का मुताला किया और उनकी बहुत सारी किताबें देखी, उसके बाद मॉडर्निज्म जो जदीदियत है उसको हिंदुस्तानी माहौल के मुताबिक, हिंदुस्तानी समाज और माशरे के मुताबिक यहाँ मुतारिफ़ कराया। इसको मुतारिफ़ कराने का सेरा ज़रूर शमशुर अहमद फारूकी के सर है, लेकिन इसमें और बहुत से नक्काद जैसे नारंग साहब, जैसे शमीम हनफी, जैसे आपके वाब अशफी, हामदी काश्मीरी वगैरह ने भी इसको फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया। ये अलग बात है कि फारूकी साहब ने शबखून निकाल कर इसको आम करने की कोशिश की। जदीदत के बाद बाबर जदीदत का एक छोर उठा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जदीदियत तो एक रुझान के तौर पर हमारे सामने आती है, लेकिन बाबा जदीदियत में वो रुझान या वो कैफियत नहीं मिलती। बाबा जदीदियत को इंट्रोड्यूस कराने वाले प्रोफेसर नारक खुद कहते हैं ये बाबा जदीदियत कोई नज़रिया नहीं, ये एक ऐसी हालत है, ऐसी कैफियत है जिसमें कि मुसनफ़ आज़ाद है और जड़ों की तरफ वापसी हो रही है। मतलब बहुत ही मुबहम किस्म के ख्यालात महबा जदीद के ताल्लुक से मिलते हैं। इसके बरक्स शब्दुर रहमान फारूकी ने जदीदियत को जिस तौर पे मुतारिफ़ कराया, जिस तौर पे अवाम में बल्कि उर्दू अवाम में मुतारिफ़ कराया, वो शब्दुर रहमान फारूकी का ही खासा है। शब्दुर रहमान फारूकी ने जदीदियत को आम करने के लिए न सिर्फ वैसी तहरीरें शबखून में शाय की, बल्कि शबखून के साथ साथ दीगर अदबी जो मंजरनामा था हमारा उसको भी मुतासर किया। शमसुर रहमान फारूकी का नज़रिया आज तक कहते हैं जदीदत में अलामत का बड़ा इस्तेमाल था, तो अलामत का इस्तेमाल कब होता है? जब हमारी ज़बान पर पाबंदी लगा दी जाए, जब हमारे कहने पर पाबंदी हो, या हम कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जो आम सामईन तक ना जाए, लेकिन जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक हमारी बात पहुँच जाए, तो अलामत का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अभी तक अलामत का इस्तेमाल जारी और सारी है। वहाँ मार्शल लॉ कई बार लग चुका, वहाँ की कैफियत दूसरी है, वहाँ का माशा हमारे माशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन शमसुर रहमान फारूकी जदीदियत को आम करने के ज़िम्न में ये भी कहते हैं कि जदीदियत तरक्की पसंदी की ज़िद नहीं है, लेकिन जदीदियत ने जैसे मिसाल के तौर पर अफसाने को ले, तो अफसाना लिखने का नया तरीका हमें हमारे अफसाने निगारों को दिया। मतलब उनसे पहले प्रेमचंद या उनके साथी बहुत मशहूर थे, तो प्रेमचंद के यहाँ जो बातें मिलती है फारूकी साहब ने उसका इख्तलाफ किया कि हम एक नबे दुले ढंग से ही अफसाने को नहीं लिख सकते, अफसाने में नयापन आना चाहिए। तो उसलूब का नयापन अगर आपको देखना है तो वो आपको जदीदियत के अहद में मिलेगा। जदीदियत के अहद में नया उसलूब मिलता है, नई तौर पर अफसाना लिखने की एक होड़ सी लगी हुई है। बलराज मेहरा हूँ, सुरेंद्र प्रकाश हूँ, अनवर सज्जाद हूँ, या इंतज़ार हुसैन हूँ, दीगर अफसानेगार हूँ, मंदर काजी जैसे लोग, तो इन सबके यहाँ आपको एक अलग बात मिलती है, अलामत का बेहतरीन इस्तेमाल मिलता है। लेकिन तजर्बे, हाँ मैं कह रहा था कि
जदीदियत के ज़माने में तजर्बे बहुत हुए, तजर्बा भी जदीदियत की एक खूबी है, लेकिन वही तजर्बा जब बोझल हो गया, तजर्बा बड़ा तजर्बा हो गया, तो जदीदियत का भी जवाल आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। मसलन ऐसे अफसाने लिखे गए जिनमें किरदार नहीं थे, जिनमें कोई मफसूद प्लॉट नहीं था, ऐसे अफसाने लिखे गए जो मुसलस नुमा होते थे, ऐसे अफसाने लिखे गए जिसमें तजीदत बहुत ज़्यादा थी, ऐसे अफसाने लिखे गए जो बग़ैर नुकतों के थे, बग़ैर नुकतों के अफसाने, तो ऐसे तजर्बात ने जदीदियत को नुकसान पहुँचाया। ये अलग बात है कि जब माबा जदीदियत आई और माबा जदीदियत ने उन्हीं चीज़ों को जो तरक्की पसंदी में आम थी उनको नए तौर पर, अपने तौर पर और नए ज़माने के मौसूआत लेकर लिखने के लिए माबा जदीदियत ने उकसाया या आगे बढ़ाया, तो जदीदियत की तरफ हमारी जो नई नस्ल थी उसका रुझान कुछ कम हुआ। लेकिन मुझे माफ़ करें वो लोग जो माबा जदीदियत के हामी हैं कि माबा जदीदियत का ज़माना भी अब तकरीबन लग चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है चीज़, और नई सदी में नई शुरुआत हो चुकी है। नई सदी की शुरुआत में आईटी बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर हमारे सामने है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मैसर आ गया है। ऐसे में अब कौन सी ऐसी तहरीक है या बाबा जदीदियत के बाद क्या, तो अब जो सूरत हाल है, अब जो अदब लिखा जा रहा है, वो अदब किस खाने में होगा? क्या हम बाबा जदीदियत के ज़माने में ही ज़िंदा हैं? ये एक सवाल मैं आपके जहनों में छोड़ के जा रहा हूँ। क्या बाबा जदीदियत ही वो रुझान है जो अब तक हमारे साथ है? जी नहीं, बाबा जदीदियत का ज़माना भी तकरीबन ख़त्म सा हो गया और नई चीज़ें आ गई हैं। नई चीज़ों में आप दलित डिस्कोर्स की बात कर सकते हैं। दलित डिस्कोर्स जो प्रेमचंद से शुरू होता है, लेकिन नई सदी में दलित डिस्कोर्स एक नए तौर पर हमारे सामने है। अखिलती डिस्कोर्स 1992 में जब से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और मुख्तलिफ किस्म के फसाद पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और गुजरात का सारहा, इन सब ने हमारे बहुत से अफसाने निगारों, नावल निगारों और शोरा को मुतासर किया, और इसके नतीजे में अखिलती डिस्कोर्स की पैदाइश हुई या सामने आया, अखिलती डिस्कोर्स हमारे सामने आया। अखिलती डिस्कोर्स के अलावा नई टेक्निक जो अफसाने और नावल में भी इस्तेमाल हो रही है, कोलाज टेक्निक, कोलाज टेक्निक को भी इस नई सदी में बड़ी अहम तौर पर बहुत से लोगों ने बरता है और बहुत से लोग बरत रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि नौ जदीदियत का ज़माना है, ये ज़माना नौ जदीदियत का है, या जदीद तरक्की पसंदी हमारे साथ फिर से खड़ी हो गई है? हम इसे कोई भी नाम दें, नौजवानों के हवाले है ये सवाल कि क्या हम अभी भी बाबा जदीदियत और जदीदियत के ज़माने में हैं, या कोई नई तहरीक हमें अब शुरू करनी चाहिए? हमारे अंदर जो अफसाना निगार हैं, जो शोरा हैं, उनके अंदर एक इस्तराब पाया जाता है, और उस इस्तराब की बहुत हद तक भरपाई जदीदियत में तो होती है, लेकिन माबा जदीदियत में बिल्कुल नहीं होती। हमें तय करना होगा कि हम किस अहद में ज़िंदा हैं। हमें इस अदबी अहद का एक नाम ज़रूर देना होगा, माबा जदीदियत। अगर हम चाहें तो नई माबा जदीदियत का नाम दे सकते हैं, नौ जदीदियत का नाम दे सकते हैं, या नई जदीद तरक्की पसंदी या नई तरक्की पसंदी, इसके ताल्लुक से बहुत सारे मज़ामीन सामने आए हैं। कुद्दूस जावेद का नाम मैं लेना चाहूँगा कि कुद्दूस जावेद ने बहुत ही संजीदगी के साथ
फिक्शन तरजीद में और शायरी की तरजीद में भी नए बन को तलाश किया है और उसका नाम उन्होंने नई तरक्की बसदी दिया है। अब हमें फारूकी साहब की तरफ लौट कर वापस जाना होगा और देखना होगा कि क्या जदीदियत आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे बहुत से शोरा, बहुत से अफसाना नगार, बहुत से नावल नगार अलामतों का इस्तेमाल उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह के जदीद के ज़माने में था। आज भी उसलूब की उतनी ही अहमियत है जो अहमियत जदीदियत के ज़माने में थी। तो उसलूब और अलामत के बल पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ज़माना नौ जदीदियत का है? शम्स-उर-रहमान फारूकी का जो मुतारिफ करता जदीदियत का रुझान है, क्या वो अब हमारे साथ है? ये एक सवाल है, ये बहुत अहम सवाल के तौर पर नई नस्लों के ज़हनों में है। मैं सिर्फ इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शम्स-उर-रहमान फारूकी ने जदीदियत के हवाले से जदीदियत को आम करने के लिए जो काम किया वो किसी कारनामे से कम नहीं है, क्योंकि तरक्की पसंदी में पूरी एक टीम थी, पूरा एक जब्बे खफीर था जो तरक्की पसंदी को आम करने में लगा हुआ था। लेकिन फारूकी साहब ने जब जदीदियत की बात की तो वो अकेले थे और उन्होंने शबखून के ज़रिया जदीदियत को आम करने की कोशिश की। बाद में उनके साथ लोग आते गए और एक कानवा बनता गया। लेकिन आज ये एक अहम सवाल है कि क्या जदीदियत आज भी हमारे लिए उतनी ही मोतबर और उतनी ही मुस्तमिल है जितनी कि कल थी। इस सवाल के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और शोबे उर्दू मानू को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने शम्स-उर-रहमान फारूकी पर बहुत अच्छा एक सेमिनार मुनक़िद किया, इसके लिए बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं प्रोफेसर फारूक बख्शी और उनकी पूरी टीम के। उन्होंने शम्स-उर-रहमान फारूकी की बाज़याफ़्त की है। उनकी बाज़याफ़्त में अभी रही साहब ने बताया कि उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे औराक ऐसे हैं हुआ हैं। मैं समझता हूँ उन सब को तबाह होकर मंत्रयाम पर लाने की जिम्मेदारी उनके शागिर्दों के साथ साथ सभी अहम जिम्मेदार लोगों पर है और हम सब बनकर फारूकी साहब के नज़रिए को आम करने और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डायरेक्टर NCPL, मैं सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अभी आप प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, सदर शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से मकाला समाप्त फरमा रहे थे। सर ने कई सारे सवालात उठाए हैं जो हम तालिब इल्मों के लिए को एक नए जदीदियत, माबाद जदीदियत पर एक नए डिस्कोर्स की तरफ ले जाता है। अब हमारे अगले मकाला निगार हैं प्रोफेसर खालिद जावेद साहब, शोबे उर्दू जामिया मिलिया नई दिल्ली, मौत की किताब, नेमत खाना, आखिरी दावत जैसी अहम शाहकार के तख्लीककार। इनके नावलों और अफसानों के अंग्रेज़ी के अलावा दीगर ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। इनके तराजिम, आपके तराजिम पर MPhil और PhD हो रही है। दौर जदीद के एक अहम मोतबर फिक्शन निगार हैं। मैं प्रोफेसर खालिद जावेद सर से गुजारिश करता हूं कि आप अपना मकाला पेश करें। प्रोफेसर खालिद जावेद सर, बहुत शुक्रिया। काबिल एहतराम मजलिस सदारत,
और मौजूद सामईन, जैसा कि फारूक बख्शी साहब ने फरमाया था कि जाहिर है कि मुझे हैदराबाद हाजिर होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात और कुछ ऐसी मजबूरियां थीं जिसकी वजह से मैं वहां हाजिर नहीं हो पाया। और लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन की जो एक फैसिलिटी है उसके भी हम लोग आदि होते जा रहे हैं, तो आप लोगों के सामने आने का, अपनी बात रखने का ये एक मौका है, और ये मौका आप लोगों ने मुझे फराहम किया, इसके लिए मैं आप लोगों का दिल की गहराई में से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक मज़मून है जो फोकस्ड मज़मून है बिल्कुल, ये एक और शम्सुलेमान फारूकी साहब का एक मज़मून है जिसका नाम है ईट्स इकबाल और एलियट, ममासलत के चंद पहलू। इस मज़मून का एक जायज़ा लेने की कोशिश की गई है इस छोटे से मुताले में। मुलाहिज़ा फरमाइए, शम्सुलेमान फारूकी का ये मज़मून 1973 में शाये हुआ था और उनकी किताब शेर गैर शेर और नसर में शामिल है। ये एक इंतहाई अहम मज़मून है जिसमें ईट्स इकबाल और एलियट की शायरी के ममासिल पहलू तलाश करने के अलावा जिस अमर पर मुख्तसरन रोशनी डाली गई है वो ये है कि हर अहद में बग़ैर किसी तफरीक ज़बान कौम बाद बुनियादी बातें मुश्तरक होती हैं। ये इतना अहम नुक्ता है कि जिसे यूं ही सरसरी अंदाज में पढ़कर या समझकर इसे फरामोश नहीं किया जा सकता, मगर अफसोस की बात यह है कि इसी नुक्ते को ज़्यादातर हम भूल जाते हैं और ज़बान, कल्चर, सकाफत और रिवायत के क्लेशों को सहल अंगारी के साथ रकम करते हुए हम रूह असर के वजूद को ही नज़रअंदाज करते रहते हैं या उसे कोई अहमियत नहीं देते, क्योंकि उससे हमारी बात तरजीहात को, जो कि आवाम को भी रास आती है, नुकसान पहुंचने का खतरा दरपेश होता है। इसलिए आफियत कोशी से बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है? अपने अहद के फिक्री मैलानात को समझने और हवास व अदराक के जरिए उन्हें अंगेज करने के हवाले से ये मज़मून आज भी उतना ही अहम है जितना कि तकरीबन 50 साल पहले था। अब फारूकी लिखते हैं कि मेरा दावा यह नहीं है कि ईट्स इकबाल और एलियट बिल्कुल एक ही तरह के शायर हैं, या उनके फिक्री मैलानात या फ़न्नी दसगाह के सरचश्मे एक हैं या मुश्तरक हैं, या ये कि एक की मदद के बगैर दूसरे को समझना मुश्किल है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि नस्ल, ज़बान और तहजीब के इख्तलाफ के बावजूद इन तीनों ने हयात व कायनात के बाद मखसूस मसाइल को छेड़ा है और उन मसाइल की तरफ उनका रवैया एक दूसरे के मुशाबा है। मेरा मुतायला इस बात का सबूत फराहम करने की कोशिश है कि असर हाजिर की शायरी रंग व नस्ल की तफरीक के बावजूद बाद बुनियादी बातों में हम ख्याल है और इस इत्तेहाद की असल उस मखसूस शेरी मिजाज में है जो हमारे ज़माने का खासा है। आगे चलकर फारूकी साहब ये भी लिखते हैं कि लिहाजा मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे ज़माने में शायर को जो मेलान वदियत हुआ है वो इज्तमाही लाशऊर की तरह तमाम शायरों में ज़्यादा या कम मुश्तरक है। फारूकी की इन सत्रों में एक आफाकी हकीकत छुपी हुई है जिसे चाहे कितना भी मख्स करने की कोशिश की जाए, मगर ये हकीकत हर अहद की पहचान रही है और इसी के ज़रिए हम अपने अहद को भी बखूबी समझ सकते हैं। ये तारीखियत नहीं है, वैसे भी आर्ट की तारीख इंसानों की तारीख से मुख्तलिफ नौयत की होती है। वो इस तरह जल्दी जल्दी नहीं बदलती जिस तरह के बादशाहों की गद्दियाँ बदलती हैं। टैगोर ने भी आर्ट और अदब के हवाले से जिस बैनुल अक़वामियत की बात की थी उसकी माहियत में भी इज्तिमाई लाशऊर का अंसुर शामिल था, और फोको ने भी इंसानी तहजीब की तारीख में जगह जगह कुछ पड़ाव या वक्फों का जिक्र किया है और इन वक्फों को उसने इपोक का नाम दिया। वो कहता है कि और हर इपोक की तहजीबी और इल्मियाती सरगर्मियों की तफ्तीश, तशवी और तफहीम के जरिए फोको अपने अहद की शनाख्त करना चाहता है। ये मौका इस तफसील में जाने का नहीं है। फिलहाल हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि फारूकी के इस मज़मून की इल्मी बुनियादें क्या हैं। ये अमर बाई से हैरत है कि जिस तफसील और अलखरीजी के साथ फारूकी ने इन तीनों शायरों के फ़न्नी महासिन का जायज़ा लिया है और उस फिक्र व फ़लसफ़े को भी बयान किया है जिस पर कि इन शायरों की तख्लीक़ात मबनी रही हैं, उसकी मिसाल उर्दू तो क्या अंग्रेज़ी के नाक़िदों में भी मुश्किल से ही मिलेगी। तो फारूकी लिखते हैं, ईट्स इकबाल और एलियट की हद तक दिलचस्प बात यह है
क्या इनमें बाद ज़ाहरी ममासरतें भी हैं जिन पर लोगों की निगाह कम गई है, मसलन इन तीनों को कभी ना कभी और गलत या सही इनको फासिस्ट नवाज भी कहा गया। आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि ये तीनों किसी न किसी हद तक अपने माहौल और समाज में एलियन थे और इन तीनों को इसका एहसास भी था। एलियन होने के इस एहसास के बारे में फारूकी ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है और इस एहसास ने उनकी शायरी पर क्या असरात मुरतब किए उसको भी मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश की। ईट्स लंदन में जहनी तौर पर बेगाना और तन्हा रहा। वो अपनी शनाख्त आयरलैंड में ढूंढता था, मगर क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट था इसलिए आयरलैंड की कैथोलिक रिवाज से बिल्कुल ही कटा हुआ था। जहां तक इलियट का सवाल है, वो अमेरिका के जुनूब बईद की तहजीब का परवरदा था जो अपनी सख्त गिरी और नस्ली और जबानी तासुब के लिए आज भी मशहूर है। इलियट मजहब के एतबार से कैथोलिक था मगर सियासी एतबार से साम्राज्यवादियों के साथ था। इंग्लिस्तान में जिस कमजोर शायरी का उसके जमाने में चलन था उसमें इलियट बिल्कुल बेगाना था क्योंकि उसकी शायरी के डांडे क्लासिकियत से जाकर मिलते थे। इसलिए इलियट को कदम कदम पर इख्तलाफ बल्कि गाली गलोच तक का सामना करना पड़ता था। अब हम इकबाल की तरफ आते हैं। इकबाल कश्मीरी ब्राह्मण थे और उनके असलाफ को इस्लाम कबूल किए हुए अगरचे एक जमाना गुजर चुका था मगर उनके अंदर एक एहसास जिंदगी भर मौजूद रहा कि उनमें और दूसरे मुसलमानों में सब बातें मुश्तरक नहीं। फलसफे से उनकी खास दिलचस्पी भी उनको आम मुसलमानों से अलग करती थी। जिंदगी भर इकबाल अपने अंदर के फलसफी से लड़ते रहे मगर फलसफा उनके रग रग में जारी था। यूं देखिए तो इकबाल की शायरी के फनी महासिन को मतलब अलग कर दिया जाए तो ख्याल की सतह पर यह खालिस और खालिस फलसफियाना शायरी है। फिक्र और वजदान की कशाकश में वो हमेशा गिरफ्तार रहे। अगरचे वजदान को वो फिक्र से बालातर समझते थे मगर फलसफे की तरबियत ने उन्हें हमेशा ही फिक्र को अंगेज करने के लिए मजबूर किया, लिहाजा एक किस्म के एलियनेशन के एहसास से इकबाल भी हमेशा ही दो चार रहे। राकिम के ख्याल में अगर आम ढर्रे की शायरी के हवाले से इकबाल को आउटसाइडर भी करार दे दिया जाए, एलियनेशन ही वो शय है जो कि आउटसाइडर की तश्कील करती है। फारूकी ने जिन दलाइल का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों शायरों की जहनी बेगानगी का सुराग लगाया है वो बहुत खासे की चीज है। तीसरी बात यह है कि इन तीनों को मशरिक के पुरसरार उलूम और कदीम हिंदुस्तानी फलसफे से भी बहुत दिलचस्पी रही। ये एक अजब इत्तेफाक है। ईट्स हमेशा लॉक और ह्यूम जैसे तजुर्बियत पसंद अफकार से बिल्कुल नाला रहे और वो बर्कले से मुतासिर थे क्योंकि बर्कले के यहाँ एक किस्म का आइडियलिज्म पाया जाता था। हिंदुस्तानी फलसफे में उपनिषदों की आत्मा यानी सेल्फ से वो कुर्बत महसूस करते थे और यीशु मसीह को इसी वैदत के रूप में ही तसव्वुर करते थे जो कि उपनिषदों के आत्मा के बहुत करीब है। इकबाल के लिए भी यही तसव्वुर काबिल कबूल था, यानी फलसफियाना तौर पर काबिल कबूल था। बकौल फारूकी के आप बस सच की जगह मोहम्मद कह लीजिए। यही मामला इलियट के साथ भी था। वो गीता के फलसफे से मुतासिर थे और कृष्ण के ब्रह्मा के तसव्वुर से अपने ख्याल को हम आहंग महसूस करते थे। जाहिर है कि ब्रह्म भी आत्मा का ही एक ऑब्जेक्टिव रूप है अगरचे उसमें सेल्फ की सारी खसूसियात पाई जाती हैं। इसे आप एक किस्म का तसव्वुर भी कह सकते हैं जो कि वेदांत से अफलातून तक कोई ना कोई शक्ल में हमेशा मौजूद रहे। चौथी बात यह है कि इस अहद में कोई भी तखयली फिक्र तो सियासत से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकती। फारूकी लिखते हैं कि ईट्स और इकबाल सियासत में भी बाकायदा हिस्सा लेते थे। इलियट अमली तौर पर तो सियासत में दाखिल नहीं हुआ लेकिन सियासी मसाइल से उसकी गहरी दिलचस्पी उसके ड्रामों, नसरी तहरीरों और बाद नज़्मों खासकर द वेस्ट लैंड में बहुत साफ तौर पर नज़र आती है। अपने मौकफ की वजाहत करते हुए फारूकी ये भी कहते हैं इस तरह और भी मुशाबतें ढूंढी जा सकती हैं। ये मुशाबतें गैर अहम नहीं हैं। मैंने इनको ज़ाहरी इसलिए नहीं कहा है कि उनकी रोशनी हमारे ज़ेर बहस शोरा को समझने में माविन नहीं हो सकती। ज़ाहरी से मेरी मुराद यह है कि इनमें से बास तो इत्तेफाकी हैं और बास उन मखसूस हालात का नतीजा हैं कि जिनसे ये शायर दोचार हुए। यहाँ हमें ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इन तीनों शायरी में सब कुछ मुश्तरक है।
हकीकत यह है कि ये तीनों शायर अपनी अपनी जगह इनफरादी नौयत के शायर हैं, मगर फारूकी जो नुक्ता उठा रहे हैं वो दरअसल एक अहद के वाज़ रुझानात और फिक्री धारे से मुताल्लिक है, जिसकी वजह से इन तीनों की शायरी एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद ज़ेरी सतह पर अपने अंदर बहुत से मुश्तरक तनासिर भी रखती है। सरसरी तौर पर भी इन तीनों शायरों का मुतायला करने से ये अमर साफ आया हो जाता है कि इन सब की शायरी के महबूब मौजूद इंसान, खुदा, कायनात, मौत और वक्त है। हर शायर की रिवायत मुख्तलिफ होने के बावजूद घूम फिर कर ये एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं। इस ज़िम्न में फारूकी का ये इक्तिबास देखिए कि मैंने शुरू में कहा है कि इन तीनों को असरारी यानी मिस्टिक शायर भी कहा जा सकता है। कोई दूसरा मुनासिब लफ्ज ना होने की वजह से मैं इन तीनों को असरारियत के उस सिलसिले का शायर कहता हूँ कि जिसको के तसव्वुफ कहते हैं। एक अहम बात जो कि ईट्स की यहाँ पाई जाती है वो ये है कि फ़न का असल मकसद तो खुद फनी है, क्योंकि फ़न ही तकसीर मौत का ज़रिया है। फ़न को ज़िंदगी में मौत और मौत में ज़िंदगी का नाम दिया जा सकता है। बाइज़ेंटाइन नज़्म का हवाला देते हुए फारूकी ने इस नुक्ते को बहुत खूबी और कामयाबी के साथ उजागर किया है कि मुमकिन है कि फ़न ज़िंदगी और मौत की वैदत का ये तसव्वुर सूफियाना से ज़्यादा शायराना हो, मगर उसकी बुनियाद तो असरारी फिक्री है। फारूकी ने ऐनियत पर फ़न जो भी फ़लसफ़ी थे मसलन अफलातून, बर्कले और आगे चलकर वाइट हेड के असरात का ईट्स की शायरी के हवाले से एक बयान दिया है और ये भी बताया है कि ईट्स का ऐन यानी आइडियल एक किस्म का फौकुल इंसान है और यही असल शय है, और इसी असल शय को इकबाल की जमान में तो खुद ही कहा जा सकता है। निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद, हयात है शब तारीख में शर की नमूद, हयात तो मौत नहीं इल्तिफात के लायक, फकत खुदी है खुदी की निगाह का मकसूद, वगैरह वगैरह। यही वो शय है कि जिसे ईट्स कभी तो सोने की चिड़िया और कभी आत्मा या कभी सेल्फ का नाम देता है। अब आइए इलियट की तरफ। इलियट के यहाँ जो वक्त का तस्वुर है और जिसे वो अपनी नज़्म फोर क्वार्टेट्स में उसने मुतहर्रिक और जिंदा और पुरसरार किरदार की तरह पेश किया है। ये तस्वुर दरअसल जिंदगी और मौत की इसी वहदत के ख्याल की बात गश्त है जो हमें ईट्स और इकबाल की शायरी में नज़र आता है। फारूकी ने इस हवाले से इलियट की बाज़ नज़मों से उसकी जो है वो मिसालें पेश की हैं। ऐश वेडनेसडे उसकी नज़्म है बहुत ही मशहूर इलियट की। उसके दूसरे हिस्से में इलियट कहता है, और खुदा ने कहा क्या ये हड्डियां फिर जिंदा होंगी, और वो चीज़ें जो इन हड्डियों में बंद थीं, जो कि पहले ही खुश्क हो चुकी थीं, चहचहाती हुई बोली उन खातून की नेकी की वजह से और उनके हुस्न व जमाल के बाइस और इसलिए कि वो मराकबे में कुआरी की तकदीस करती हैं, हम चमक रहे हैं। साफ जाहिर है कि वो खातून कोई दुनियावी हस्ती नहीं बल्कि वो वही इंसानी रूह सेल्फ या आत्मा है यानी ऐन, और ऐन हमेशा मौत और जिंदगी की दोई से आज़ाद है। अफलातून के मशहूर नज़रिए ऐन थ्योरी ऑफ आइडियाज से लेकर बर्कले, हीगल और जदीद हमअस्र फलसफे में वाइट हेड और बर्डले तक इसी नज़रिए को बुनियादी हैसियत हासिल रही है, और ये नज़रिया उपनिषदों और वेदांत की माँ बादुल तबियात से भी हमाहंग है। इन तमाम बातों से कता नज़र अगर ज़िंदगी ही फ़न है और फ़न ही ज़िंदगी का मकसूद है जैसा कि ईट्स का ख्याल था, इकबाल और इलियट जो कि फ़न को अपने रूहानी तजुर्बात के इजहार का ज़रिया समझते थे, तो फिर इस इजहार की नाकामी पूरी ज़िंदगी को ही नाकाम कर देती है। इजहार की ये नाकामी इबहाम और गैर सादगी को पैदा करती है और ये फिक्र की सतह पर आकर दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। फारूकी इसी नुक्ते की वजाहत करते हुए लिखते हैं, पूरा कलाम देखें तो ये साफ मालूम होता है कि तीनों के यहाँ इजहार की नाकामी के अलावा फिक्र फहम की नाकामी का भी एहसास मौजूद है। अगर ये एहसास ना होता तो इन तीनों की शायरी बहुत कम कीमत इसलिए कि शायरी इंसानी फिक्र व एहसास के मुकम्मल मजहर की हैसियत से उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब शायर हमसे इंसान की सतह पर गुफ्तगू करे, पैगंबर की सतह पर नहीं, देवता की सतह पर नहीं। फारूकी की इस बात से
फारूकी की इस बात से हमें इस बात का भी सुराग मिलता है, और ये बहुत अहम है कि इजहार की नाकामी या फिक्र फहम की नाकामी से शायरी को कम कीमत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शायरी जब भी इंसान की सतह पर होती है तो यही चीज़ें उसके कलाम को माने खेज, घना और तहदार बनाती हैं। इंसान के जरिए की गई शायरी में इबहाम तो होगा ही होगा, और इबहाम हर बड़ी शायरी का एक अंसुर है, क्योंकि ये एक असरार है और असरार को महसूस किया जा सकता है मगर जाना नहीं जा सकता। असरार की मुकम्मल तरसील हो ही नहीं सकती, मुकम्मल तरसील तो महज गैर शायराना या कारोबारी जबान में ही मुमकिन है। इसलिए फारूकी ईट्स की एक नज्म जिसका नाम है सर्कस के जानवरों का भाग जाना की मिसाल देते हैं, जिसमें ईट्स अपने तमाम शायराना अकायद और अलामात को सर्कस के अंदर फंसे हुए गिरफ्तार जानवरों की अलामत के जरिए जाहिर करता है। वो जानवर के जिनको रिंग मास्टर जबरदस्ती पकड़ कर लाया था मगर जो मौका देखते ही भाग निकले और शायद फिर से वहीं आ गया जहां से तमाम सीढ़ियां फिर से शुरू होती हैं। नज्म का ये टुकड़ा देखने लायक है कि अब जबकि मेरी सीढ़ी छिन गई है मैं वहीं पड़ा रहूंगा जहां से सब सीढ़ियां शुरू होती हैं। मेरे दिल की गलीज बदबूदार चिथड़ों और हड्डियों वाली दुकान। और अब इलियट की नज्म का यही यह हिस्सा मुलायजा हो तो मैं यहाँ हूँ आधे रास्ते पर। 20 बरस गुजरने के बाद जो ज़्यादातर ज़ाये हुए दो जंगों के बीच के ये साल मैं अल्फाज को इस्तेमाल करना सीखने की कोशिश करता रहा, और हर कोशिश एक बिल्कुल नया आगाज़, एक मुख्तलिफ तरह की नाकामी, क्योंकि जब हम अल्फाज पर काबू पा चुके होते हैं तो उन्हीं चीज़ों के लिए जो अब हम कहना नहीं चाहते, या उस तरह से जिस तरह से हम कहना चाहते ही नहीं थे या अब कहना नहीं चाहते। इकबाल के यहाँ खुदी की तालीम तो साफ नजर आती है, मगर खुदी की निगाह का मकसद सिर्फ इजहार का इरफान का इजहार नहीं है। ईट्स के यहाँ जो बेयकीनी है और खौफ है, और इलियट के यहाँ जो तदब्बुब है, उसकी कुछ झलकियाँ इकबाल के कलाम में भी नजर आती हैं। हालांकि बकौल फारूकी इकबाल इन दोनों के मुकाबले में कह रहे हैं, क्योंकि उनका यकीन ज़्यादा पुख्ता है, मगर निट्शे के विल टू पावर पर यकीन रखने के बावजूद या खुदी की इतनी तकरार के बावजूद आखिर वो क्या चीज़ है जो कि इकबाल से इस किस्म के शेर लिखवाती है जो एक बेनाम सी वजूदी बेचैनी और खौफ और तजज्जुब के इजहार ही कहे जा सकते हैं। ये गुम्बद मीनाई आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दश्त की बनहाई, भटका हुआ राही तू मंजिल है कहाँ तेरी है लाल है सहराई। शेर और भी उन्होंने किए हैं कोट, लेकिन मैं उनको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे तवालत की वजह से। वैसे फारूकी ने इलियट की शायरी में ला शख्सियत के हवाले से भी बहुत मुफज्जिल और बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू की है। उसके ज़रिए बाज़ ऐसे नताइज पर पहुँचे हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ ईट्स बल्कि इकबाल के भी बाज़ तख्लीकी महरुकात को समझने में बड़ी बड़ी मदद मिलती है। इलियट के मुताबिक ला शख्सियत की एक दूसरी किस्म उस शायर की है जो कि ज़ाती तजुर्बे के अंदर से या उसके ज़रिए एक उमूमी सच्चाई को बाहर निकालने पर, बरामद करने पर पूरी तरह कादिर होता है, इस तरह कि वो उसमें अपने तजुर्बे की मखसूसियत को बरकरार रखता है और फिर भी उसको एक उमूमी अलामत भी बना देता है। इलियट की ऐश वेडनेसडे और दूसरी नज़में इसी ला शख्सियत की नुमाया मिसालें हैं। अगर इकबाल के यहाँ इस हवाले से बात की जाए तो ये सूरत हाल और भी वाज़े है। इस ज़िम्न फारूकी ने ज़ौक़ो शौक़ के चंद अशार को यहाँ पर बतौर मिसाल भी पेश किया है कि कल्बो नज़र की ज़िंदगी, दश्त में सुबह का समा, चश्मे आफ्ताब से नूर की रद्दियाँ रवा। ये सब लोग आप लोग इन मतलब अशार से वाकिफ़ हैं तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ। फारूकी लिखते हैं कि ज़ौक़ो शौक़ के इस बंद में मौजू अलामती इजहार और कॉलेज के अल्फाज में इंटीरियर लैंडस्केप की बिना पर एक शायराना सी उड़ान के बजाय ये एक कायनाती हकीकत सा बन गया है। बाले जिब्राइल की तमाम गज़लें इसी अलामती इजहार और इंटीरियर लैंडस्केप, यही नाम दिया है फारूकी ने तो मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, इंटीरियर लैंडस्केप से ही इबारत कही जा सकती है। इस ज़िम्न में तसव्वुर वक्त का जिक्र भी बहुत अहम है। ईट्स ने फन को इतनी बुलंद चीज़ मतलब समझा है जो कि टेम्पोरल वक्त से मावरा है और वो माजी, हाल, मुस्तकबिल सबको मुहित है। फारूकी ने ईट्स की नज़्म बाइजंटाइन का बहरी सफ़र के आखिरी अशार यहाँ पेश किए हैं।
बस एक बार जब मैं फितरत की बंदिशों से निकल जाऊंगा तो फिर किसी भी फितरी चीज के अंदर नहीं आऊंगा, बल्कि मैं वो रूप धारूंगा जो कि यूनानी जरगर बनाते हैं, पीटे हुए और चमकाए हुए सोने की शक्ल जो ऊंके हुए शहंशाहों को बिल्कुल जगाए रखती है या किसी सुनहरी शाख के ऊपर जाकर बिठा दी जाती है ताकि बाद नायकिन की ख्वातीन और उम्रा को उन चीज़ों के बारे में नगमे सुनाए जो गुजर गईं या गुजर रही हैं या होने वाली हैं। इकबाल का तसव्वुर वक्त भी बहुत मशहूर है। इकबाल वक्त की तस्खीर में यकीन नहीं रखते और यूं देखें तो इश्क के यहाँ मुर्दा प्लस जिंदा का जो पेकर है उसमें वक्त की उलूहियत भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इस तरह इलियट फारूकी के ख्याल के मुताबिक वक्त की तफसीर के कायल नहीं, जबकि इकबाल की खुदी का आगाज और अंजाम सिर्फ और सिर्फ सफर है तो फिर मौत और हयात भी एक हो जाते हैं। फोर क्वार्टेट्स का आगाज भी इलियट की इन्हीं सत्रों से होता है। वक्त गुज़िश्ता और वक्त मौजूद दोनों ही, शायद वक्त आइंदा में शामिल है और वक्त आइंदा वक्त गुज़िश्ता में। अगर सारा ही वक्त अज़ल व अबद से मौजूद है तो सारा ही वक्त असीर वक्त है, तो सारा ही वक्त फारूकी के इस अहम तरीन मजमून का तकाजा ये है। ये मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ कि शम्सुल्लमान फारूकी के इस अहम तरीन मजमून का तकाजा ये है कि इसे गौर से पढ़ा जाए और बार बार पढ़ा जाए। राकिमुल हुरूफ के ख्याल में ये महज ईट्स इकबाल और इरियट की शायराना खसूसियात और उनके फिक्री सरचश्मों पर लिखा हुआ मजमून नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा, जैसा कि हमने पहले अर्ज किया कि अपने अहद की तख्लीकी और फिक्री सरगर्मियों को समझने और समझाने में भी मददगार है। ये मजमून 1973 में लिखा गया जब फारूकी की जदीदियत के खिलाफ लोगों ने एक महाज खोल रखा था, क्योंकि उनके ख्याल में तो बर्रे सगीर में ऐसे मसाइल थे ही नहीं जिन मसाइल के सबब यहाँ पे मॉडर्निज्म का रुझान आ सकता था। दरअसल इस किस्म के अफराद के जरिए ऐसी खुश फहमियाँ या गलत फहमियाँ ही वो असबाब थे जिनके जरिए हम एक अरसे तक बेवजह के बहस व मुबाहसे के अंदर वक्त ज़ाया करते रहे हैं। अदब में मुकामियत के साथ साथ आफाकियत का भी एक पहलू हमेशा शामिल रहता है। ये पहलू ही सबसे ज़्यादा अहम होता है, यानी आफाकियत का पहलू, ये पहलू ही सबसे ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसका ताल्लुक रूह असर से होता है और फारूकी ने इस हकीकत को बहुत पहले भांप लिया था। इसीलिए शबखून में उन्होंने तवातुर के साथ ऐसी तख्लीकात शाये की जो अपने ज़बान व अदब और अपनी रिवायत के साथ पूरी तरह मुंसलिक होने के बावजूद अपने अहद में लिखे जाने वाली आलमी अदब की तहरीरों के साथ भी अपना रिश्ता उस्तवार करती थी। बयानिया की तब्दीली और इजहार व बयान के नए सांचे वजूद में आए और हमने अपने अंदर एक नई हिस्सियत को दरियाफ्त किया। फारूकी का ये एक तारीख साज कारनामा है। आज तो वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आज तो कुछ भी उस तरह से मुकामी नहीं रहा। लोक अदब को भी अब इतना आप मुकामी नहीं कह सकते, उसको भी एक इंटरनेशनल हैसियत हासिल हो चुकी है। इसलिए असल चीज़ तो अपने अहद को समझना है और उसके तख्लीकी मेलानात या मुहर्रकात को जो आस्ता आस्ता हमारे इज्तमाई लाशऊर के अंदर जाकर बदल जाता है। फारूकी का ये मजमून गो के इस नौयत का कोई तफसीली मजमून तो नहीं है और बहुत सी बातों को यहाँ पर सिर्फ इशारों में ही बयान किया गया है, मगर ये इशारे भी इस कदर मुदल्लिल हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शम्सुल्लमान फारूकी ही कर सकते थे और किसी के बस का तो ये रोग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। या सर, बहुत ही उम्दा और मालूमती मकाला हम अभी समाप्त फरमा रहे थे। ईट्स, इलियट, इकबाल पे अगर कोई अच्छे से बात करने के लिए हमारे पास है या हम कह सकते हैं कि बेहतरीन अंदाज में इस पर कोई बात कर सकता है तो वो प्रोफेसर खालिद जावेद सर हैं। अब मैं आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे सदर प्रोफेसर मजीद बेदार सर, जो साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैं, कई किताबों के मालिक हैं, उस्तादुल असाज़ा हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सदारती कलमात फरमाएं। प्रोफेसर मजीद बेदार सर। हाजरीन को मुबारकबाद के सब दौरों से इस इन इजलासों में शरीक हो रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि दो दिन के इजलास के बाद आज का जो इजलास रहा इसमें चार मखाले पेश किए गए, तीन मखालों का तमाम तर ताल्लुक दानिशवाराना सतह से है। हाजरीन कराम, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तलबा के लिए होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आम आदमी को समझाने के लिए होती हैं, और बहुत सी बातें वो होती हैं जो फिक्र अंगेजी की तरफ ले जाती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि चार मखाले पेश हुए, रेहाना सुल्ताना ने बड़े तदब्बुर और तफक्कुर के साथ वो तमाम अहवाल जिससे हकीकत में देखा जाए तो पहले दिन ही सुनाया जाना चाहिए था, कि उन्होंने समान ही कवायफ को बड़े ही मुदल्लल और मुख्तसर अंदाज से पेश किया। लाजमी है कि जब शम्सुर्रहमान फारूकी साहब पर सेमिनार हो रहा है तो उनके इब्तिदा और उनके तमाम सफ़र को हमारे रूबरू होना चाहिए। जिन लोगों ने इस सेमिनार के इनेकाद में जस्तुजू की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस किस्म के मखाले को मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि उनको भी पढ़ने का मौका दिया। उसके बाद जब दूसरा मखाला पेश हुआ डॉक्टर रहीम सिद्दीकी, और मैंने इनकी किताब महबे गुफ्तगू पढ़ी है, मेरे पास मौजूद है। हाजरीन कराम, सबसे अहम चीज़ जो है, दिन ब दिन हमारा माशरा मुर्दा परस्त होता जा रहा है। एक मिसाल मैं आपको दूँ, मैंने 20 साल औरंगाबाद में सर्विस की, उस ज़माने में और आज भी उनका नाम मशहूर है, पद्मश्री सिकंदर अली वज्द, जो बहुत अच्छे शायर थे, एमपी भी थे और बड़े एजाजात से नवाजे गए थे। 1983 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने इंतकाल से कबल अपनी तमाम चीज़ें मेरे हवाले कर दी थी, तस्वीर, खतूत और तमाम चीज़ें। औरंगाबाद से मैं हैदराबाद आ गया तो मैंने वहाँ के लोगों को मशवरा दिया कि वज्द मेमोरियल ट्रस्ट कायम किया जाए, आज भी मौजूद है, मगर मुश्किल यही है कि हम इदारे कायम करते हैं, उसको चलाने के मामले में संजीदा नहीं। ये सबसे बड़ी खराबी है। जिन बातों की तरफ बतौर ख़ास रहीम सिद्दीकी साहब ने इशारे किए हैं, ये हमारा विरसा है, हमारे दानिश्वर का विरसा है, तो होना तो ये चाहिए था कि NCPL या दूसरे बड़े इदारे ये तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर उसकी इशात का एहतमाम करें। अगर वो नहीं है, हम जमहूरियत में ज़िंदा हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हम उर्दू वाले हैं, वो तमाम चीज़ों को एकजा करके उनकी इशात का एहतमाम करें, ताकि आने वाली नस्लों तक ये बात भी पहुँचे कि जो लिखा है वो तो आ चुका, जो कलमी नुस्खों की शक्ल में है वो भी हमारे रूबरू आना चाहिए, क्यों कि उसमें भी कई कायनातें छुपी हुई हैं। इसको रूबरू पेश करना लोगों के सामने, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमारे उर्दूदान तबके में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हों जो उर्दू की नादिर और नायाब चीज़ों को अंग्रेज़ी में मुंतकिल करें, हिंदी में मुंतकिल करें और हिंदुस्तान की तमाम रियासती जबानों में, ताकि बताया जाए तो तुम जिसको उर्दू का समझ रहे हो, उर्दू का नहीं बल्कि कायनात का बड़ा अदीब है। ये काम हमको करना है। इसके लिए इस सेमिनार के तवस्सु से मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया जाए कि जिसके तहत एक यादगार शम्सुर्रहमान फारूकी ट्रस्ट कायम किया जाए और उसके तहत आलमी जबानों में उनके लिटरेचर को मुंतकिल करने और उनकी जो भी चीज़ें बाकी हैं उनको शाय करने का एहतमाम किया जाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रहीम सिद्दीक साहब कह रहे थे कि ऊपर से वो बेचारे नहीं आते, लेकिन आज आकर उन्होंने साबित कर दिया जो उनसियत, जो चाहत, जो मोहब्बत और जो जो चीज़ों ने इक्तसाब किया है शम्सुर्रहमान फारूकी से, वो चीज़ें फिर हमको मिलने वाली नहीं है। आज हम खुशकिस्मत है कि उन्होंने जो वक्त गुजारा, उस वक्त के गुजारने के दौरान जो तजुर्बे हासिल किए उसको अपने मखाले में पेश किया। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मामला ये है कि तख्लीकी सफ़र हो या नज़रियात का
فرق ہو، یہ تمام چیزیں اپنے وقتی ہیں، اور کوئی بھی بڑا ادیب اپنے دور کا نہیں، وہ مستقبل شناس ہوتا ہے، اس کے ادب میں، اس کی شاعری میں، اس کے تحریری افکار میں آنے والے زمانے کی چھاپ ہوتی ہے، اس لیے یہ چیزوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مقالہ بہت اہم مقالہ، اور اس کے پس منظر میں دیکھیے ہر دور میں تجربے ہوتے ہیں۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب نے بہت سے اشارے کرتے ہوئے وہ رویہ، جس کو جدیدیت کا رویہ کہتے ہیں، اس کے پس منظر میں بہت سی باتیں دیکھیے ہر تحریک کے مثبت اور منفی پہلو برابر دیکھے جانے چاہیے۔ لازمی ہے ترقی پسند کے بعد جدیدیت کا جو دور آیا، تو جدیدیت کو پھیلانے والوں نے جو تجربے کیے، اس سے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، وہ بھی ہم کو دیکھنا۔ جدیدیت ایک رجحان ہے، اور ماں باپ جدیدیت کے پس منظر میں بھی انہوں نے بات کی، تب لازمی ہے کہ وہ تجربے جو علامتی اظہار کے ذریعے یا تجریدی اظہار کے ذریعے یا پھر کہانی پند کی بازیافت، اسٹوری، اینٹی اسٹوری، یا یہ قابل قبول ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ یہ تجربے ہر شخص نہیں کرتا، اور جو اشارے دیے انہوں نے، بڑے اہم اشارے دیے اسلم جمشید پوری صاحب نے، کہ جس کو دلت ڈسکورس کہا، اور بابری مسجد کی شہادت اور گجرات کے واقعات کے پس منظر میں انہوں نے ایک ڈسکورس کی طرف اشارہ کیا، اس طرف بھی ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی کے پرستار ہیں، اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز، ہمارا رجحان آنے والے زمانے کی طرف ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اہم باتیں اسلم جمشید پوری صاحب نے اقلیتی ڈسکورس کے پس منظر میں، جس طرح جنوبی ہند کے کچھ علاقوں میں، جس کو ہم شروع ٹرائبس کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں جو لٹریچر، جو ادب پنپ رہا ہے، اس کی ایک الگ شناخت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اسلم جمشید پوری صاحب نے جدیدیت، ماں باپ جدیدیت کے بعد آج کے زمانے کی چاپ کو محسوس کیا۔ میں دل کی گہرائی سے ان کے اس پرمغز مقالے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، خارج سے باطن کا سفر یا باطن سے خارج کی طرف، یہ تمام باتیں، فنکار کی آزادی، یہ تو ہر جگہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو اہم نکات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ منظور کروائی گئی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، جو بھی ادب ہم کو دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نظر ثانی کرتے رہیں۔ آخری مقالہ پروفیسر خالد جاوید صاحب کا، اب تک تو ہمارے اردو لٹریچر میں تقابلی تنقید ہوتی رہی ہے، دو اشخاص کے، جیسے شبلی نعمانی نے کیا۔ آپ کو یہ مقالہ اور اس کے مختلف نکات کو سننے کے بعد محسوس ہوا ہوگا، زو شخصی نہیں بلکہ سے شخصی بھی تقابلی ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ دیا خالد جاوید صاحب نے۔ انہوں نے اس اقبال اور ایلیٹ مماثلت کے چند پہلو جو عنوان قائم کیا، وہ عنوان خود معنی خیز ہیں، تقابلی تنقید نہیں کہا انہوں نے۔ تو اس سے بات ظاہر ہے کہ اقبال اور ایسٹ اور ایلیٹ کے جو رجحانات تھے، انہوں نے جس سے متاثر ہو کر اپنا کلام پیش کیا، اس میں جہاں مقامیت کا انداز ہے، جہاں آفاقیت کا انداز ہے، جہاں تخلیقی محرکات ہیں، ان تمام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایسے موضوعات پر غور کرنا چاہیے، اساتذہ غور و فکر کر کے اپنے مطالعے کے توسط سے جن چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ غیر معمولی چیزیں ہیں، اور
ان پر غور کر کے پھر مزید تحقیق مزید کا کام لینا چاہیے۔ حاضرین کرام، کچھ بات کہوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے مشکل ہو جائے گی کہ سب اپنے ہیں، مگر فاروق بخشی صاحب کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے۔ یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح بچھ جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے، تین دن سے ہمارے دلی سے پروفیسر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو تین دن سے بلا رہے ہیں اور جس محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ میرے لیے ان کے لیے نہیں۔ ایک بڑی شخصیت جو کل جو بات کہی گئی تھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں، ایک ترقی پسند ہونے کے باوجود جدیدیت کے روح رواں کو یاد کر کے اس کے لیے ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کرنا، ایسی فراغ دلی، فراغ حوصلگی ہر پروفیسر میں ہونی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں فاروق بخشی صاحب کو کہ وہ محدود طور پر نہیں سوچتے، وسعت نظری ہے اور ادب، اور ادب کے تبسط سے طلبہ میں بھی اسی وسعت نظری کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ، بھائی ہم لوگ تو پروفیسر ہیں، ایک مرتبہ اسٹیج پہ آ جائیں تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بہت سی باتیں جو کہنے کی ہیں، مگر میں نے اس سے جو نوٹس لیے ہیں اس کو تفصیلی طور پر، مضمون کے طور پر میں ضرور پیش کروں گا۔ آپ تمام لوگوں نے ان باتوں کو سنا اور اس سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ مستقبل میں بھی یہ چیزیں آپ کے لیے رہنمائی کا کام کریں گی۔ اس لیے میں اس سیمینار کے آخری دن کے پہلے اجلاس کی صدارت میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تین دن یہاں اپنا وقت لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو اہم مخالے پڑے گئے ہیں اس سے آپ نے کشید کی ہے۔ شکریہ، بے حد شکریہ، خدا حافظ۔ بے انتہا شکریہ سر، پروفیسر مجید بیدار سر۔ ابھی آپ مجید بیدار سر سے صدارتی کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے، اس اجلاس کا اختتام پذیر یہاں پہ یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے سیشن کی بھی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اگلے سیشن کی، اگلے اجلاس کی صدارت فرمائیں گے پروفیسر ارتضاء کریم سر، اور اس کی نظامت ڈاکٹر بدر سلطانہ صاحبہ فرمائیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نظامت کے فرائض انجام دیں۔ ڈاکٹر بدر سلطانہ صاحب،
अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से मुनक़िदा सहरोज़ा सेमिनार बाउनवान शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी शख्स और अक्स के तीसरे दिन के दूसरे इजलास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस इजलास की सदारत प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम साहब सदर शोबे साबिक सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी वो डायरेक्टर एनसीपीएल फरमाएंगे। इस सेशन में चार मखाले पढ़े जाएंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर मसरत जहां साहबा को दावत देती हूं कि आएं और अपना मखाला पेश करें। आपके मखाले का उन्वान है शम्सुर्रहमान फारूकी के नावल कब्ज़ ज़मां एक तज़िया। प्रोफेसर मसरत जहां साहबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मखाले का उन्वान है कब्ज़ ज़मां एक तज़िया। शुरू करूं सर? शम्सुर्रहमान फारूकी का शुमार मुमताज़ नाक़िद और बर्रसग़ीर के मायानाज़ फ़िक्शन निगारों में होता है। उन्होंने जिन असनाफ़ अदब पर खामो फरसाई की उनके रमूज व निकात और मानियाती कायनात की तमाम पेचीदा गिरहें खोल कर रख दिया। ख़ास तौर से क्लासिकी अदब की शेरियात की तफ़ीम व ताबीर में तनकीदी फ़िक्र की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो काबिल रश्क है। तनकीद व तहकीक के साथ साथ उनकी तख्लीकी निगार साथ भी अदबी दुनिया में कदर की निगाह से देखी जाती हैं। शायरी और अफसाने के अलावा उनके दो नावल भी मंजर आम पर आ चुके हैं। अभी जैसे रहील सिद्दीकी साहब ने दलदल से बाहर का जिक्र किया, दरअसल वो मेरी नज़र से वो नावल नहीं गुजरा है। मेरी मालूमात में यही थी कि पहला नावल कई चांद थे सर आसमा जो 2006 में शाया हुआ और उसे शोहरत दुआम हासिल हुई। अदबी हलकों में उस नावल के हवाले से अब भी मुबाहिस जारी हैं। दूसरा नावल कब्ज़ ज़मां 2011 में शाया हुआ जो मेरे इस मखाले का मरकज व महवर है। कब्ज़ ज़मां के प्लॉट और मानवी इबाद की तफहीम के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके उन्वान और कहानी के माखज़ को समझा जाए, इसलिए कि बग़ैर माखज़ को समझे नावल की तफहीम व ताबीर तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकती है। जिस तरह दिगर उलूम की अपनी मखसूस लफ्ज़ियात व इस्तलाहात होती हैं, इसी तरह इल्म तसव्वुफ़ की भी अपनी मखसूस लफ्ज़ियात व इस्तलाहात हैं। चूँकि तसव्वुफ़ की तालीमात का मकसद खुदा व बंदा के दरमियान ताल्लुक को मजबूत व मस्तहकम करना होता है, इसीलिए ये एक रूहानी व बातनी इल्म है जो सीना बसीना एक दूसरे को इरसाल होता जाता है। अल्लामा सैयद अली हजवेरी ने इल्म तसव्वुफ़ पर मबनी अपनी किताब कशफुल महजूब में एक इस्तलाह कब्ज़ और उसके मुतजाद बस्त का भी जिक्र किया है। इन इस्तलाहात के मानी व मफाहीम को समझने के लिए दर्ज ज़ैल इक्तबास मुलाहिज़ा कीजिए। इक्तबास है, कब्ज़ और बस्त एक सूफी की दो बातिनी हालतें हैं। कब्ज़ के मानी है तंगी और बस्त के मानी है वसत व कुशादगी। इन हर दो हालत का ताल्लुक दिल से है। इन हालात का ना तो आना कस्ब कोशिश से है और ना जाना, बल्कि ये पुरेसरार मिन जानिब अल्लाह होती है। इख्तिबास खत्म। जब लफ्ज़ कब्ज़ को ज़मा के साथ मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो सूफिया के नज़दीक इससे ये मुराद है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से तवील ज़माने को किसी ख़ास बंदे के लिए इंतहाई मुख्तसर कर देता है। इसके बरक्स जब अल्लाह ताला अपने किसी मखसूस बंदे पर कुछ लम्हों को कई सालों पर फैला देता है तो उसे तसव्वुफ़ के इस्तलाह में बस्ते ज़मा कहते हैं।
इस हवाले से हामिद हसन कादरी की किताब कंजुल करामात बहुत अहम है। उन्होंने मौलाना जामी की तसनीफ नफातुल उन्स जो फारसी जबान में है इससे चंद करामात का जिक्र किया है। मौलाना जामी की किताब 1885 ईस्वी में शाया हुई थी जबकि उसकी मुतरजमा किताब हामिद हसन कादरी ने 1954 ईस्वी में शाया कराई। कंजुल करामात में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के हवाले से जिस वाकये का जिक्र है इसी वाकये को शम्सुर रहमान फारूकी ने अपने नॉवल कब्ज़ ज़मा का मौजू बनाया है। नॉवल के आखिर में अर्ज मुसन्निफ के तहत उन्होंने इस वाकये का हवाला पेश किया है। हालांकि अगर वो इसका जिक्र न करते तो मेरे ख्याल में नॉवल से दिलचस्पी और तजस्सुस में मजीद इजाफा हो जाता। कब्ज़ ज़मा से मुमासिल कहानियां अमरीकी मुसन्निफ वाशिंगटन अरविंग की किताब टेल्स ऑफ द अलहम्रा और रिप वैन विंग्स में भी मिल जाती हैं। वाशिंगटन अरविंग की 1819 ईस्वी में रिप वैन विंकल नामी किताब शाया हुई थी। उसका मरकजी किरदार एक रोज अपनी बीवी से तंग आकर अपने कुत्ते के हमरा गांव से दूर पहाड़ियों के सिमत निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात चंद पुरेसरार बौनों से होती है। रिप वैन विंकल जो इस कहानी का मरकजी किरदार है उन बौनों के साथ बेतकल्लुफ होकर शराब पीने लगता है। शराब पीते ही उसे नींद आ जाती है। जब वो नींद से बेदार होता है तो देखता है कि उसका कुत्ता और पुरेसरार बौनों का कोई सुराग नहीं है। उसकी बंदूक जंग लगकर बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उसके बाल और दाढ़ी काफी लंबे हो चुके हैं। वो घबरा कर अपने गांव की तरफ भागता है जहां उसे कोई पहचानता नहीं है। बमुश्किल एक ज़ईफ खातून उसकी शनाख्त करती है। गांव के लोगों से गुफ्तगू के दौरान उसे अंदाजा होता है कि वो पहाड़ियों में 20 सालों तक सोया रहा है। इसी दौरान अमरीका में इनकलाब का जमाना गुजर जाता है और अब जॉर्ज सोन की तस्वीरों की जगह जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीरों ने ले ली है। टेल्स ऑफ द अलहम्रा नामी किताब 1832 ईस्वी में शाया हुई थी। उसका उर्दू तर्जुमा गुलाम अब्बास ने अलहम्रा के अफसाने के नाम से करके 1930 ईस्वी में शाया किया जबकि वक़ार अज़ीम ने 1959 ईस्वी में इस किताब का तर्जुमा कससुल हमरा के नाम से शाया किया था। अलहम्रा और असल स्पेन के शहर अलहम्रा दरअसल स्पेन के शहर गर्नाता का एक शाही किला है जिसे मुसलमान बादशाहों ने तामीर करवाया था। वाशिंगटन अरविन सियाहत की गर्ज से वहां पहुंचता है और उस किले की अजमत से मुतल्लिक अवामी सतह पर मारूफ कहानियों को नोट करता है। उन्हीं कहानियों में एक कहानी तिलिस्मी सिपाही भी है। इसमें गर्नाता के आखिरी मुसलमान फरमारवा के खजानों का जिक्र है जो गार नुमा खानों तहखानों में महफूज हैं। एक अफ्रीकी साहिर ने एक स्लेबी सिपाही को अपने सहर के असर से 300 सालों से इस गार में खजानों के साथ कैद कर रखा है। इन तहखानों के दरवाजे 100 साल पर सहर व तिलिस्म के खुलते और बंद होते हैं। मुमकिन है वाशिंगटन अरविन ने ये तसव्वुरात सूरे कहफ से अखज किया हो। कब्ज़ ज़मा पर भी अरविन की इन कहानियों के धुंधले से अक्स मिलते हैं, खास तौर से सहरज़दा सिपाही, कैद खाने में पोशीदा खजाने, पुरेसरार सिपाही वगैरह नॉवल के बाज़ हिस्सों में नजर आते हैं। मसलन किले के अंदर की सजावट और तख्त पर बादशाह का बैठना, अलहम्रा के बाग की सजावट और अमीर जान का तख्त पर बैठना, इन दोनों में मुमासलत है। कब्ज़ ज़मा के हवाले से सबसे मुस्तनद वाक़या सूरे कहफ के सहाबियों का है जिसका तफसीली जिक्र सूरे कहफ के आयत नंबर 9-25 में मौजूद है। ये वाक़या मसीही कौम से मुतालिक है। वहाँ बादशाह के कुछ दरबारी खुदा को मानने वाले थे। चूंकि उनका मजहबी अकीदा बादशाह के मजहबी अकीदे से मुख्तलिफ था इसलिए बादशाह के अताब और जुल्म ज़्यादती से बचने के लिए पहाड़ के गार में छुप गए थे। मुफस्सरीन ने सूरे कहफ की आयत 22 से ये नतीजा खस किया है कि उनकी तादाद 7 थी और 8वां उनका कुत्ता था।
इन सबों पर अल्लाह ताला ने ऐसी नींद तारी की कि वो 300 सालों तक सोए रहे। इस तवील मुद्दत के बाद जब वो बेदार हुए तो शहर का पूरा मंजर ही बदल चुका था। इस वाकये की तनाजुर में जेर बहस नॉवल पर नजर डालते हैं। इस नॉवल का मरकजी किरदार गुल मोहम्मद है। इब्राहिम लोदी के अहद में एक फौजी दस्ते में मुलाजिम है। अपनी बेटी की शादी के गर्ज से 350 तिनका की रकम के साथ वो अपने गांव के लिए रवाना होता है, मगर रास्ते में डाकू उसके सारे माल व असबाब लूट ले जाते हैं। काफी मुश्किलात और जद्दोजहद से गुजरने के बाद वो मशहूर तवायफ अमीर जान से 350 रुपए कर्ज लेता है। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो कर्ज वापसी की गर्ज से अमीर जान की हवेली पर पहुंचता है तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुकी है। खबर सुनकर उसे सदमा पहुंचता है और उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की गर्ज से वो कब्रिस्तान पहुंच जाता है। गुल मोहम्मद को अमीर जान की कब्र में एक शगाफ नजर आता है और फिर वो शगाफ दरवाजे में तब्दील हो जाता है। वो इस दरवाजे से जैसे ही कब्र में उतरता है तो वहां वो एक बाग में दाखिल हो जाता है। वहां अजब तरह का खूबसूरत मंजर है। गुल मोहम्मद ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाता है। गुल मोहम्मद के मुताबिक वहां उसने बमुश्किल तकरीबन 2.5 घंटे ही गुजारा होगा, मगर जैसे ही वो वहां से बाहर आता है यहाँ की दुनिया अक्सर तब्दील हो नजर आती है। जबान, तहजीब, लिबास, इमारतें, सड़कें, आमदोरफ्त के जराए, हत्ता कि रुपया पैसा, सब कुछ बदल चुका था। वो 1520 यानी इब्राहिम लोदी के दौरे हुकूमत में घर से निकला था और जब अमीर जान की कब्र से वापस हुआ तो मुगल दौरे हुकूमत के जवाल का जमाना था। सूरे कहफ के वाकया के साथ नॉवल के मतन का मुताला किया जाए तो कई मुभम और पेचीदा गुथियां खुद बखुद खुल जाती हैं। अस्हाबे कहफ के लोग जब गार के अंदर जाते हैं तो उनके साथ एक खूनखार कुत्ता भी होता है। कुत्ता गार के मुंह पर इस तरह बैठा हुआ था कि लोग उसे देखकर खौफ खा जाएं और अंदर आने की हिम्मत न कर सकें। कब्ज़ जमा का किरदार गार की बजाय कब्र में दाखिल होता है और उसके साथ उसका घोड़ा होता है। गोया जानवर का होना तो मुश्तरक है मगर नौयत और मकासिद अलग अलग हैं। गार के अंदर असहाब कहफ 300 सालों तक रहते हैं और गुल मोहम्मद तकरीबन 250 साल तक कब्र में रहता है। कहफ के लोग गार में सोए हुए होते हैं जबकि गुल मोहम्मद बेदारी की हालत में होता है। अलबत्ता गुल मोहम्मद कुछ अरसे के लिए बेहोश रहता है। नींद से बेदार होने के बाद असहाब कहफ का एक शख्स अपने पुराने सिक्के लेकर बाजार जाता है ताकि जरूरियात की कुछ चीजें खरीद लाए, मगर बाजार में जब वो पुराने अहद का सिक्का दिखाता है तो लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं और ये ख्याल करते हैं कि अपने पुराने जमाने का दफन किया हुआ कोई खजाना हाथ लग गया है। बिल्कुल इन्हीं हालात से गुल मोहम्मद भी दोचार होता है। जब वो कब्र से वापस आकर किराए की रकम लोदी अहद के सिक्के से देना चाहता है, फिर वो एक सराय में ठहरता है जहां रोजाना का किराया 1.5 पैसा है। अब मुरवजा सिक्के तो उसके पास थे नहीं, इसलिए वो पुराने जमाने का सिक्का छेदाम देता है जिसे लेने से सराय वाली भटियारन मना कर देती है। इसी ताल्लुक से ये इक्तबास मुलाहिजा कीजिए, मेरे पास जर मुकामी तो था नहीं, जब मैंने अपने छेदाम भटियारी को दिए दिखाए तो वो खौफजदा होकर कहने लगी कि मियाँ साहब ये जिन्नाती सिक्के कहाँ से लाए, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, अब छूने से डरती हूँ, मुझे तो इस शहर और इस जमाने के पैसे दरकार हैं। मैं बेहतरी कोशिश की कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ यही सिक्का राइज है, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर देकर इसी बात को कहना चाहा तो उसके चेहरे पर शक के आसार पैदा हुए। शायद उसे ख्याल आया हो कि मैं कोई डकैत था और मुझे किसी पुरानी हवेली में गड़ा खजाना हाथ लग गया है। इख्तबास खत्म। गुल मोहम्मद सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। फिर ख्याल आता है कि अगर ये ख्वाब है
तो मैं चल फिर कैसे रहा हूँ। जिंदगी के मामूलात, शब और रोज की तब्दीली, लोगों से मुलाकातें, ये सब क्या हैं? फिर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इंसान से जिन्नात के जून में आ गया हूँ, या ये कि अल्लाह ताला मुझसे कोई खास काम लेना चाह रहा है। फिर ये कि अमीर जान से कर्ज लेना, बेटी की शादी, कब्र के अंदर जाना, वहां से निकाले जाना, ये सब क्या था? वो ज़हनी तसादुम और नफ्सियाती कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। और फिर गुल मोहम्मद सोचता है, तो क्या ये और लोगों के साथ भी हुआ है या होता है? होता होगा, तुम्हें क्या खबर? ये लोग जिनके खोए से मेरा खोआ छिल रहा है, वो मिल रहा है, उनमें से कितने उस जमाने के हैं और कितने तुम्हारे जमाने के, या तुम्हारे भी जमाने के पहले के हैं? इख्तिबास खत्म। बिल आखिर गुल मोहम्मद खुद को नए जमाने से हमाहंग करने की कोशिश करता है, काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। बहर कैफ, असहाब का वाकया, अलहमरा के अफसाने, कंजुल करामात के कुछ वाकयात और कब्ज़े ज़मा में कुछ मुश्तरक अज्ज़ा ज़रूर पाए जाते हैं, मगर उनके मकासिद मुख्तलिफ हैं। सूरे कहफ का वाकया मौत के बाद क़यामत के रोज़, या दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन दिलाता है। अलहमरा के अफसाने स्पेन में मुसलमानों की शाहाना अजमत रफ्ता की याद दिलाते हैं। कंजुल करामात के वाकयात अल्लाह ताला की कुदरत और ईमान में मजीद इस्तेहकाम बख्शती है, जबकि कब्ज़े ज़मा का किस्सा लोधी और मुगल सल्तनत के जवाल को पेश करता है। नॉवल के मरकजी किरदार गुल मोहम्मद का दारुस सल्तनत से चंद मील के फासले पर लुट जाना इस बद इंतजामी की तरफ इशारा है, जो सुल्तान सिकंदर लोधी के बाद शुरू होती है। गुल मोहम्मद कहता है, लानत है ऐसी सिपहगरी और तुफ है ऐसी सुल्तानी पर कि रियाया यूं बेखटके दिन दहाड़े लुट जाए। इस तरह नॉवल का इख्तिताम उस वक्त होता है जब हिंदुस्तान सियासी तौर पर अबतरी का शिकार था, और इस सियासी और समाजी इंतशार के बावजूद उर्दू जबान व अदब के लिए ये खुशाइंद बात रही कि हमारी जबान व अदब का इर्तिका उस दौर में नुमाया तौर पर हुआ, और मुग़लों का दौर उर्दू अदब के फरोख के लिए अहद ज़र्रीन कहलाया। दिल्ली में गुल मोहम्मद की मुलाकात मीर अब्दुल हई ताबा, सौदा शाह हातिम और मीर तकी मीर जैसे बुलंद पाया शोरा उदबा से होती है, और ये देखकर हैरान रह जाता है कि दिल्ली की पूरी फिजा ही बदल गई है और हर तरफ शेर व शायरी का चर्चा है। एक इक्तबास है, मेरे जमाने के शहर दिल्ली में तो मौलाना जामी के सिवा कोई मशहूर व मारूफ उस्ताद फन शेर में न था, और ये भी कि उन वक्तों की दिल्ली में शेर व सुखन का चर्चा इस कदर और इतना आम न था जितना आज की दिल्ली में है। क्या फारसी, क्या रेख्ता, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर शख्स नाजूर ए शेर का मतवाला और शमे सुखन पर मिसाल परवाना जान देने वाला था। दिल्ली की गलियां शायरों, जबानदानों और उस्तादान फन सुखन से पटी पड़ी थीं। इस तरह शम्सुर्रहमान फारूकी ने 16वीं और 18वीं सदी के तारीखी और सकाफती हकायक को पेश किया है, और इस पेशकश में बास जगह जुजियात निगारी का बेहतरीन मुसाहरा भी पेश किया है। उसके मताले से हमें इस वक्त के हिंदुस्तान के समाजी और सकाफती मैलानात का पता चलता है, जिस कहानी के ज़रिए इन दो मुख्तलिफ अहद के इन दो मुख्तलिफ अहद को दिखाया गया है। इस कहानी का बुनियादी अंसर यह है कि दो तीन सदियाँ दो तीन घंटों में गुजर जाएँ, और जिस पर गुजरे उस पर इसका बिल्कुल भी एहसास ना हो। ये बहुत ही हैरान कुन अमल है, लेकिन उनकी जड़ें कदीम तारीखी वाकयात में पेवस्ता हैं। इलावाजी नॉवल में गांव के मनाजिर, जहां रावी का बचपन गुजरा है, वहां की तहजीबी रिवायात, चरिंद परिंद, मुख्तलिफ नौ किस्म के कीड़े मकोड़े,
قدیم توہمات و عقائد کی جزیات نگاری بہت ہی فنکارانہ انداز میں موجود ہے اور تخلیق کار کے عمیق مشاہدے کی داد کا متقاضی ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ میم۔ یہ تھیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی ہردل استادنی محترمہ پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ، جو اپنا پرمغز مقالہ پیش کر رہی تھیں۔ اب میں شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ایک استاد، حرکیاتی استاد ڈاکٹر فیروز عالم صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے 18ویں-19ویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ و تہذیب اور کئی چاند تھے سر آسماں۔ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر بدر سلطانہ، علی جناب صدر محترم پروفیسر ارتضا کریم صاحب، محترم راہی فدائی صاحب، ہمارے صدر شعبہ اردو پروفیسر فاروق بخشی صاحب، پروفیسر مجید بیدار صاحب اور میرے شعبے کے ساتھی، اور عزیز طلبہ و طالبات آن لائن اور آف لائن، جتنے بھی خواتین و حضرات اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، میں صدر محترم کی اجازت سے مقالہ شروع کرتا ہوں۔ جی، میرے مقالے کا عنوان ہے 18ویں-19ویں صدی کی ہندوستانی تاریخ و تہذیب اور کئی چاند تھے سر آسماں۔ عصر حاضر کے معنات نقاد، محقق، فکشن نگار، شاعر، مترجم اور دانشور، شمس الرحمن فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں اردو کے چند شاہکار ناولوں میں سے ایک ہے۔ ہند اسلامی تہذیب و ثقافت کے موضوع پر لکھے گئے اس ناول میں فاروقی صاحب نے 18ویں-19ویں صدی کے ہندوستان کی تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی صورتحال کی عکاسی کرنے میں جس قدر تحقیق و جستجو، محنت اور احتیاط سے کام لیا ہے اور چھوٹی چھوٹی جزیات پر جس قدر توجہ صرف کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ناول ایک حوالہ جاتی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری زمانے میں حکمراں طبقے کے ساتھ ساتھ عوام کی زندگی، آداب معاشرت، آداب گفتگو، آداب دسترخوان، اشیاء خرد و نوش، ملبوسات، زیورات، زبان، مکانات، غرض کے انسانی زندگی سے متعلق ہر پہلو پر ناول نگار کی نظر گئی ہے۔ ناول نگار نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں تاریخی ناول ہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس ملاحظہ کیجیے، اگرچہ میں نے اس کتاب میں مندرج اہم تاریخی واقعات کی صحت کا حتی الامکان مکمل اہتمام کیا ہے، لیکن یہ تاریخی ناول نہیں ہے۔ اسے 18ویں-19ویں صدی کی ہند اسلامی تہذیب اور انسانی اور تہذیبی و ادبی سروکاروں کا مرقع سمجھ کر پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں، صفحہ 847۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک اردو میں جتنے بھی تاریخی ناول لکھے گئے ہیں، چند کو چھوڑ کر کسی میں بھی واقعات و حقائق کی صحت اور ان کے ڈرامائی امکانات اور اہم کرداروں کی شخصیت کے پیچیدہ پہلوؤں کو اس قدر خوش اسلوبی اور صداقت کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں ملتا جتنا کہ کئی چاند تھے سر آسماں میں۔ لہٰذا اسے تاریخی ناول بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ چند کرداروں کو چھوڑ کر اس ناول کے تمام کردار اصلی ہیں اور ان سے ہم سب واقف ہیں۔ اس ناول کو تاریخی ناول قرار دیں یا نہ دیں، یہ بات اہم نہیں ہے، جتنی اہم بات یہ ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں میں کئی ایسے حقائق پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کے متعلق کسی بھی تاریخی کتاب میں تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر نواب شمس الدین احمد خان کے خلاف ولیم فریزر قتل کا جو معاملہ تھا، مرزا غالب کی مبینہ مخبری کے معاملے میں مخبری کے بارے میں تاریخ کی اکثر کتابیں خاموش ہیں، لیکن فاروقی صاحب نے اس زمانے کے مختلف دستاویزات اور انگریز افسران کی ڈائریوں، روزنامچوں اور خطوط کے مدد سے اس واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ مرزا غالب اور نواب شمس الدین احمد خان کے تعلقات خوشگوار نہ تھے ٹینشن والے معاملے کی وجہ سے، اور مرزا غالب نجی محفلوں میں ان کے خلاف لب کشائی سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اس لیے نواب شمس الدین احمد خان کو ولیم فریزر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیے جانے کے بعد فطری طور پر لوگوں کو ان پر شک ہوا، اور اس شک کو مزید تقویت اس سے ملی کہ فریزر کے قتل کے بعد سب سے پہلے اس کی لاش دیکھنے جانے والوں میں مرزا غالب بھی تھے۔
इस नावल का कमोबेश पूरा किस्सा वजीर खानम के गिर्द घूमता है। वो एक ऐसी शख्सियत की शक्ल में हमारे सामने आती है जो खुदसर, बेबाक और बेखौफ है, और सबसे बढ़कर ये कि उसे अपने इनफरादी वजूद का इस कदर एहसास है कि वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करती है। वजीर खानम और मुगलिया सल्तनत में नावल नगार एक तरह की हमाहंगी देखता है और दोनों को ही हिंदुस्तानी तहजीब के बदलते हुए जवाल आमादा मंजर की अलामत ठहराता है। यह बात नावल के आखिरी पैराग्राफ से बखूबी वाज़े होती है। छोटा सा इक्तबास, अगले दिन मगरिब के बाद किले मुबारक के लाहौरी दरवाजे से एक छोटा सा काफिला बाहर निकला। एक पालकी में वजीर, एक बहली पर उसका एहसासुल बैत और पालकी के दाएं बाएं घोड़ों पर नवाब मिर्जा खां और खुर्शीद मिर्जा। उनके चेहरे हर तरह के तासुर से आरी थे, लेकिन पालकी के भारी पर्दों के पीछे चादर में लिपटी और सर झुकाए बैठी हुई वजीर खानम को कुछ नजर न आता था। कई चांद थे सरे आसमां, सफा 845। ये अंजाम था उस लड़की का जिसने अहद किया था कि अपनी शर्तों पर जिंदगी गुजारेगी और समाज और हालात के आगे से पर नहीं डालेगी। उसने अपना अहद पूरा किया और बुरे से बुरे हालात में भी उसने अपनी आना खुददारी और पुख्ता इरादे पर हफ नहीं आने दिया। यह उसकी किस्मत की सितम जरीफी थी कि उसकी जिंदगी में चार मर्द आए, लेकिन जिंदगी के सफर में मंजिल मकसूद तक कोई उसका साथ देने से कासिर रहा। इस नावल का उनवान अहमद मुश्ताक मुंदरजा ज़ैल शेर से मुस्तार है। कई चांद थे सरे आसमां जो चमक चमक के पलट गए, न लहू ही मेरे जिगर में था, न तुम्हारी जुल्फ सियाह थी। ये शेर वजीर खानम की जिंदगी पर भी सादिक आता है और मुगलिया सल्तनत पर भी। इस तरह वजीर खानम को मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर का एक बलीग इश्तहारा करार दिया जा सकता है। कई चांद थे सरे आसमां में ज्यादातर किरदार तारीखी हैं। बहादुर शाह जफर, नवाब शमसुद्दीन अहमद खान, मिर्जा फखरू, मिर्जा गालिब, उस्ताद जौक, हकीम हसनुल्लाह खां बयान, इमाम बख्श साहबाई, दाग दहलवी, नवाब जियाउद्दीन अहमद खां, विलियम फ्रेजर, मार्टिन ब्लेक, ये तमाम अहम किरदार हैं जो हकीकी जिनका वजूद है। और कमाल ये है कि फारूकी साहब ने लफ्जों में उनकी ऐसी तस्वीर पेश कर दी है कि उनके सरापा के साथ साथ उनके ज़हनो मिजाज से भी आगाही होती है। ये नावल मालूमात का खजाना है। मालूमात को किस्से के पायराए में नावल निगार ने इतने दिलनशी अंदाज में पेश किया है कि पूरा मंजर आंखों के सामने गर्दिश करता महसूस होता है। ऐसा लगता है कि गर्दिश अय्याम ने पीछे की तरफ लौट कर हमें 18वीं और 19वीं सदी के ज़माने में पहुंचा दिया है और सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फारूकी साहब ने एक एक चीज़ पर गहरी तहकीक की है और यही वजह है कि छोटी छोटी जुज़ियात पर भी उनकी नज़र है। बातों के ज़िम्न में कोई बात आ जाए तो मुख्तसरन उस पर भी रोशनी डालते हैं। मसलन ब्रिटिश म्यूजियम से मुतल्लिक तफसीलात, न्यूज़, लंदन में मकानों के पीछे बने हुए गैरेज जिनमें किरायेदार रहते हैं, तालीम यानी सादाकारी, कालीन बनाने का फन, ये सिखाने की तालीम, ठगों के बारे में मालूमात और ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में फारूकी साहब ने तहकीकी अंदाज में वाकिफ कराया है। कश्मीरी मुसविरी के बारे में लिखते हैं, कश्मीरी मुसविरी में खतकशी की नज़ाकत न थी, यानी वो लोग मोटे कोयले या जली हुई लकड़ी की नोक से तख्ते पर खाका उठाते थे। पहले वो लकड़ी को चीर के तेल में गर्क करते थे ताकि लकड़ी खूब तेल पीकर और भी दो आतिशा बल्कि सेहातशा बन जाती। अब वो नर्म और तकरीबन कागज की तरह गोल लपेटने के लायक तो हो जाती, लेकिन वो बहुत जल्द टूट भी जाती थी। इसलिए अब लाख की हल्की हल्की तहें वक्फे वक्फे से फेरी जाती थी कि लकड़ी के मुंह पर चमक और अंदर मजबूती आए। हर तह के बाद लकड़ी को साये में रख कर सिखाया जाता, हत्ता कि वो गत्ते की तरह महसूस होने लगती। अब उसे तस्वीर कशी के काबिल करा दिया जाता और मुसव्विरों के हाथों अच्छी कीमत पर फरोख्त किया जाता। कई चांद थे सरे आसमां बादी उन नज़र में तो वजीर खानम की दास्तान है, लेकिन ये दरअसल 18वीं 19वीं सदी की हिंद इस्लामी तहजीब का मुरक्का है। ये वो दौर था जब अजीम शान सल्तनत मुगलिया सिमट कर दहली और उसके अतराफ़ तक महदूद हो गई थी। मुगलिया सल्तनत के जवाल के साथ साथ हिंदुस्तान में अंग्रेजी सल्तनत का उरूज हो रहा था और अंग्रेज़ मुल्क पर काबिज़ होने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। अय्यारी, मक्कारी, साजिश, उन सब के लिए सब कुछ जायज़ था। उनके जासूस नवाबों और उमरा के महलों और हवेलियों में ही नहीं किले मुअल्ला तक में मौजूद थे और उन्हें हर पल बाखबर रखते थे। हिंदुस्तानी हुक्मरानों पर अंग्रेज़ों का गलबा कायम करने में उन जासूसों ने नुमाया किरदार अदा किया था। इनके अलावा कौम में गद्दारों की भी कमी न थी जिन्हें अपने मफाद के लिए मुल्क को गुलाम रखने से भी आर न था। कई चांद थे सरे आसमां में फतुल्लाह बेग खान ने ऐसे अफराद की नुमाइंदगी की है। फतुल्लाह बेग खान ने फ्रेजर के कत्ल के बाद उसकी लाश पर गिर कर नारा किया था, हाय शमसुद्दीन ने तुझे न छोड़ा, सफा 478। अगरचे उन्होंने ये जुमला फ्रेजर से अपनी मोहब्बत, अंग्रेजों से वफादारी और नवाब शमसुद्दीन अहमद से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किया था और बाद में कहा था, और बाद में जब अंग्रेज अफसरान ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें इस कत्ल के बारे में कुछ भी मालूम न था।
उन्होंने महज शक यकीना की बुनियाद पर यह ख्याल जाहिर किया था, लेकिन फ्रेजर के रिश्तेदारों और भाई खाहों को, जो फ्रेजर और शमसुद्दीन अहमद खान की दुश्मनी से वाकिफ थे, पूरा यकीन था कि यह कत्ल शमसुद्दीन अहमद खान ने कराया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह हमारे अपने लोग हमारे लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। इस नॉवेल में जहां अंग्रेजों की अय्यारियों और मक्कारियों को जाहिर किया गया है, वहीं अवाम के में उनके कई बढ़ती नफरत और गम गुस्से से भी रुशानास कराया गया है। विलियम फ्रेजर के मुबैना कातिल करीम खां की फांसी के बाद मुसलमान, हिंदू, जैन और सिखों का उसके लिए दुआए मगफरत करना इस बात का इशारा है कि अवाम अंग्रेजों से नफरत करते थे और वो ऐसे जियालों को पसंद करते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर इस पूरी सूरत हाल का बारीकबीनी से जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि 1857 की मुसलह बगावत का पसमंजर बहुत पहले से तैयार होना शुरू हो गया था। वजीर खानम, जो एक ऐसे अंग्रेज के साथ रह रही थी जो उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन खुद वजीर की राय अंग्रेजों के बारे में अच्छी न थी क्योंकि वो उनके नजदीक रहकर अंग्रेजों की ज़हनियत से ज्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ हो गई थी। ज्यादातर अंग्रेज हिंदुस्तानियों को गैर महजब और कमतर समझते थे और उनकी जबान का मजाक उड़ाते थे। यह खामी मार्स्टिन ब्लेक में भी थी जिसके साथ वजीर खानम रह रही थी। वो वजीर खानम से तो अच्छी खासी उर्दू में गुफ्तगू करता था, लेकिन नौकरों और दूसरे अंग्रेजों से गुफ्तगू के दौरान अल्फाज को बिगाड़ कर बोलता था। वजीर खानम को मार्स्टिन ब्लेक और दीगर अंग्रेजों का ये रवैया बहुत बुरा लगता था। यही वजह थी कि अगर कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज को नुकसान पहुंचाता तो उसको खुशी होती थी। छोटा सा इक्तबास है। वजीर का सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे मार्स्टिन ब्लेक अच्छा भी लगता था और उसकी कौम से उसे नफरत नहीं तो कराहियत जरूर थी। कई चांद थे सर आसमा, सफा 478। अंग्रेजों की एक और बुराई ये थी कि वो कई हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करते थे या बगैर शादी के घर में डाल लेते थे। तमाम अख्तियारात उनके अंग्रेज बीवियों के हाथ में होते थे। पार्टियों या घरेलू दावतों में भी अंग्रेज अपनी हिंदुस्तानी बीवियों को जनान खाने तक ही महदूद रखते थे। हत्ता कि अपने बच्चों पर भी उन औरतों का अख्तियार न था और उनकी रजामंदी के बगैर उनके बच्चों को ईसाई बना दिया जाता था। कई चांद थे सर आसमां में हिंदुस्तानी अंग्रेजी तहजीबों के दरमियान उस कशाकश और बहरान का बहुत हसास और बारीक भी तजिया किया गया है। अंग्रेजों ने बादशाह का सालाना वजीफा बहुत कम कर दिया था। इसके अलावा ये ऐलान भी कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई बादशाह नहीं होगा। इसके बावजूद किले में वलीअहदी के लिए मुख्तलिफ सतहों पर साजिशें की जा रही थीं और इसमें सारे फहरिस्त बादशाह की सबसे छोटी बेगम नवाब जीनत महल थी, जो किसी भी कीमत पर अपने बेटे जमा बख्त को वलीअहद सल्तनत बनाना चाहती थी। मिर्जा फखरू की मौत के बाद एक तरफ तो वजीर खानम पागलों की तरह एक एक का मुंह तकती और कहती फिर रही थी कि नब जरा ठीक से देख लीजिए, मेरे साहब आलम बेहोश हैं, उनकी जान नहीं निकली है। लेकिन दूसरी तरफ नवाब जीनत महल को खुशी थी कि अब उनके बेटे को वलीअहद सल्तनत बनने से कोई रोक नहीं सकता। नॉवेल में किला और अहले किला की खराब माली हालत, अंग्रेजों का तंग होता हुआ हिसार, किले की अंदरूनी सियासत और बादशाह को नजरअंदाज किए जाने से मुतालिक तफसीलात नहायत दिलकश अफसानवी अंदाज में पेश की गई है। शमसुर रहमान फारूकी ने कई चांद थे सर आसमां में 19वीं सदी के हिंदुस्तान की तहजीबी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस नॉवेल में हकीकत नगारी और तारीखी सदाकत के अहतमाम का इस कदर लिहाज रखा गया है कि मुख्तलिफ इलाकों की मलबूसात, आदाब गुफ्तगु, जबान, अशियाए खुर्दोनोश, मेहमान नवाजी, त्यौहारों और तकरीबात का इनेकाद, शेर व शायरी का आम ज़ौक और शेरी महफिलों का पाबंदी से इनेकाद, उमरा व रौसा का उर्दू के साथ साथ फारसी से शगफ, घरों में काम करने वाले मुख्तलिफ मुलाजमीन, उनकी दर्जाबंदी यानी हायरार्की, उनकी तनख्वाह, फौज से मुतल्लिक तफसीलात, फौज का बाजार, किसी काम को शुरू करने से कबल पंडितों और ज्योतिषियों से मशवरे करना, मौलवियों से फाल खुलवाना, गर्ज उसाहत की माशरती अकदार और तहजीबी तसव्वुर हयात की हकीकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। फारूकी साहब ने मज़कूरा अहद की तहजीब व माशरत से मुतल्लिक कई अहम उमूर का जिक्र बार बार करते हुए उसे जिंदा करने की कोशिश की है और हमें बताया है कि हमारा माजी कैसा था और आज हम कहाँ हैं। इस नावल में मुतअद्दद मकामात पर ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होते। फारूकी साहब ने जिस अहद को मौजू बनाया है उस अहद में बोली जाने वाली जबान भी नावल में पेश की है। मुख्तलिफ इलाकों की जबान और लब लहजा भी नावल में देखने को मिलता है। इस ज़िम्न में दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर और उत्तर प्रदेश की जबान खास तौर से काबिल जिक्र है। मुसन्निफ ने हसब ज़रूरत हिंदी अल्फाज से भी काम लिया है। कश्मीरी, राजस्थानी, लब लहजे का फ़र्क एक छोटे से अकतबास में मुलाहजा फरमाइए। अकतबास, कहाँ जाओगे, पूछने वाले के लहजे में वादिय लौलाब के गुजरों के आहंग की शीरीनी थी। मशहूर था कि वो गीत भी गाते हैं तो कुरान की किरत के रंग झलकने लगते हैं
और मियाँ की बोली पर अब भी राजपुताने की करख्त ईंट की सुर्खी वाले रंग बेतकल्लुफ बिखरे हुए थे। राजपुताने की करख्त ईंट और पर खास तौर से तवज्जो देने की जरूरत है। शमसुरमान फारूकी ने कई चांद थे सर आसमां में 19वीं सदी की दफ्तरी जबान, सरकारी हुक्मनामों और खतूत के अलावा निजी मकातिब के भी उम्दा नमूने पेश किए हैं। इनके मुताले से उस 19वीं सदी के में जबान के जो मुख्तलिफ असालिब थे उनका भी हमें अंदाजा हो जाता है। फारूकी साहब ने शहूरी तौर पर इस बात की कोशिश की है कि नावल में जिस जमाने के वाकयात पेश किए जा रहे हैं जबान भी उसी जमाने की इस्तेमाल की जाए। उन्हीं के लफ्जों में, मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि मकालमों में और अगर बयानिया किसी कदीम किरदार की जबानी या किसी कदीम किरदार के नुक्ते नजर से बयान किया जा रहा है तो बयानिया में भी कोई ऐसा लफ्ज ना आने पाए जो उस जमाने में मुस्तमिल न था। कई चांद थे सर आसमां सफा 853। इस मकसद के हुसूल के लिए मौसूफ ने उस जमाने की लुगात से खास तौर से इस्तफादा किया है और नावल के आखिरी सफात में किताबियात के तहत उन तमाम लुगात का हवाला भी दिया है। क्या हमारे अहद में कोई ऐसा नावल नगार है जो इस कदर तहकीकी ज़हन रखता हो? बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे अगले मखाला निगार हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक सदर शोबे उर्दू व डीन, डायरेक्टर व माहिर तकनियात प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीद साहब। जी सर, चूंकि अभी जुड़ नहीं पाए हैं तो मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर शोबे तर्जुमा डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब को आवाज़ देती हूँ कि वो अपना मखाला पेश करें। सर के मखाले का उन्वान है शमसुर रहमान फारूकी बहैसियत मुतरजिम इबन सफ़ी के हवाले से। डॉक्टर सैयद महमूद काजमी साहब। सेमिनार के दरमियान सदाएं लौट सदाएं लगी आती प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब, सदर इजलास प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब, हाज़रीन कराम, असल में तबीयत कई दिनों से बहुत ख़राब है तो लिहाजा तामील हुक्म मकाला तो लिख लिया जैसा तैसा और तवील भी हो गया, लेकिन बहरहाल मुख्तसरन पढ़ूंगा यहाँ पे मुझे वक्त का भी एहसास है। शमसुर्रहमान फारूकी बहैसियत मुतरजिम इब्ने सफ़ी के हवाले से। आवाज़ मेरा ख्याल है पहुँच रही होगी। अजीम शायर गोएटे ने कहा था कि उमूर आलम की अहम तरीन सरगर्मियों में तर्जुमा भी शामिल है। यह सही है कि इंसानी तारीख उलूम व फ़नून की तरवीज आलमी सतह की कोई भी इल्मी और अदबी सरगर्मी तर्जुमे के अमल के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इल्म व फ़न, अफकार व नज़रियात और दरियाफ्त ईजादात किसी एक कौम की मीरास नहीं होती। उनकी अहमियत और इफादियत इसी में है कि पूरी दुनिया उनसे इस्तिफादा करे। ज़ाहिर है कि ये इसी सूरत में मुमकिन है जब तर्जुमे के अमल को हर सतह पर फ़रोग दिया जाए, गो कि यह काम आसान नहीं है। मुतरजिम को किसी एक ज़बान के इल्मी व अदबी सरमाए को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करने के लिए खासी ज़हनी मशक्क़त से गुजरना पड़ता है। वो जिस तरह किसी एक लफ्ज़ के बरमहल और मुनासिब व मौजू मुतबादिल की तलाश में सरगर्दा रहता है, उसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी यह रियाजत किसी भी तरह तख्लीक़कार की फ़नी रियाजत से कमतर नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुतरजिम का साबका दो ऐसी ज़बानों से पड़ता है जो तहजीबी, सकाफ़ती, जमालियाती, अदबी और सरफी और नहवी सतह पर एक दूसरे से कतान मुख्तलिफ़ होती हैं। दोनों के पास मुहावरों, ज़रबुल अमसाल और रोज़मर्रा का अपना सरमाया होता है। ऐसी सूरत में मुतरजिम को उन दोनों ज़बानों के तहजीबी
وہ لسانی سرمایہ پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے۔ الفاظ کے معنی و مفہوم سے واقفیت اور مترادفات سے آگاہی جیسے تقاضوں سے عہدہ برا ہونا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بے شمار ترجموں کے ہونے کے باوجود شاذ و نادر ہی کوئی ترجمہ ارباب فکر و نظر کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ ادبی ترجمے بالخصوص شاعری کے تعلق سے تو مسائل میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل اور حدفی دونوں زبانوں کے اپنے شعری تلازمے ہوتے ہیں اور تشبیہات و استعارات کا اپنا نظام، اور ان دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ شدہ متن میں ادبیت و شعریت پیدا کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ نثری ادب کا ترجمہ شعری ادب کے ترجمے کے مقابلے میں قدرے آسان ہے، لیکن یہاں بھی افسانوی ادب کے ترجمے میں اکثر و بیشتر ایسے کئی مقامات آتے ہیں جہاں ترجمہ کرنا خاصی ریاضت و محنت چاہتا ہے۔ اب یہ افسانوی ادب رومانی ہو یا سماجی، تاریخی ہو یا سائنسی، کہ سائنس فکشن کی روایت بھی خاصی پرانی ہو چکی ہے، ترجمہ اور ترجمہ نگاری سے متعلق اس تمہیدی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جب فاروقی کے ترجمہ نگاری پر بات کی جائے تو یہ سارے مسائل ہمارے ذہن میں رہیں، تاکہ ہم دیانت دارانہ طور پر ان تمام حدود کا خیال رکھتے ہوئے جو ترجمہ نگاری کے عمل سے متعلق ہیں فاروقی کے تراجم کا جائزہ لے سکیں۔ چونکہ یہاں افسانوی ادب کی ایک شاخ جاسوسی ادب، پھر اس کے بھی سب سے بڑے تخلیق کار ابن صفی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے اس پر توجہ دی جانی چاہیے کہ بحثیت ایک جاسوسی نگار ناول نگار ابن صفی کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، جو انہیں نہ صرف اردو بلکہ انگریزی کے بھی بعض ان جاسوسی ناول نگاروں سے ایک منفرد حیثیت عطا کرتا ہے جو جاسوسی ادب کے بنیاد گزاروں میں شامل کیے جاتے ہیں، مثلاً آرتھر کانن ڈائل اور اگاتھا کرسٹی وغیرہ۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ابن صفی کے جاسوسی ناولوں کا جو سب سے بڑا وصف سامنے آتا ہے وہ ہے بیک وقت سریت اور مزاح کا یکجا ہونا۔ جاسوسی ناول نگاری کی تاریخ میں ایسا کوئی مصنف نہیں ملتا جو اس خوبی کے ساتھ سسپنس اور مزاح کو یکجا کر سکا ہو، اور یہی سبب ابن صفی میں ہر خاص و عام کی دلچسپی کا ہے۔ وہ جس طرح حمید کی ظرافت عامہ ذہانت، قاسم کی حماقت اور عمران کے مرکبۂ ذہانت و حماقت کو سریت سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں، وہ انہی کا کمال ہے، اور یہ نہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کسی اور سے ممکن ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ ایسے مصنف، ایسے بڑے تخلیق کار کی زبان اور اسلوب اظہار کو ترجمے کی گرفت میں لینا اور اسے حدفی زبان میں اس طرح منتقل کر دینا کہ وہ ترجمہ پن سے ماورا اور تخلیقیت سے مملو و متصف ہو جائے، آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے مترجم کی ضرورت تھی جو اصل اور حدفی دونوں زبانوں کے تمام تل لسانی، ادبی، تہذیبی اور شعری رویوں پر قدرت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص سلیمان فاروقی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب ابن صفی کو انگریزی زبان کے قارئین سے متعارف کرانے کا ارادہ کیا گیا تو قرۂ فال فاروقی کے نام نکلا۔ فاروقی نے ابن صفی کے مشہور زمانہ جاسوسی دنیا کے چار شماروں پر مشتمل اس سیریز کا انگریزی میں ترجمہ کیا جسے فنچ سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو ابن صفی کی فریدی حمید سیریز کے اہم ناولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ناول ہیں زہریلے تیر، پانی کا دھواں، لاش کا قہقہا اور ڈاکٹر ڈریڈ۔ فاروقی نے ان چاروں ناولوں کو بالترتیب درج ذیل عنوانوں سے انگریزی میں ترجمہ کیا: پوائزن ایرو، اسموک واٹر، دا لافنگ کارپس اور ڈاکٹر ڈریڈ۔ ابن صفی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے ناولوں کے عنوانات میں بھی بے پناہ جدت و انفرادیت کا ثبوت دیتے تھے۔ آج بھی ان کے قارئین کے ذہنوں میں اندھیرے کا شہنشاہ، تاریک سائے، لاش کا بلاوا، علامہ دہشتناک، پاگلوں کی انجمن، کالی کہکشاں اور سہرنگی موت جیسے عنوانات تازہ ہوں گے جو قاری کے ہاتھوں کو خود بخود ان کی کتابوں کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ اپنے ناولوں کے اندر بھی جو ذیلی عنوانات وہ قائم کرتے تھے ان کا معاملہ بھی کم و بیش یہی تھا۔ ایسے صاحب طرز اور منفرد اسلوب اظہار کے حامل تخلیق کار کی تحریر کو ایک دوسری زبان میں جو تہذیبی اور لسانی دونوں سطح سے پر اردو سے کسی طرح کا علاقہ نہ رکھتی ہو منتقل کرنا، اور اس طرح کرنا کہ اس میں مصنف کے اسلوب اظہار کی جھلکیاں بھی نظر آئیں اور حدفی زبان کی حکایتی بیانیہ کی پاسداری بھی ہو سکے، آسان نہ تھا۔ لیکن فاروقی نے بہر طور اس کوچے کو سر کیا، اور وہ بھی بے حد خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ذیل میں انہیں ترجموں کے حوالے سے چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فن سیریز کے ناول زہریلے تیر کو لیتے ہیں۔ فاروقی نے اس کا ترجمہ پوائزن ایرو کیا ہے۔ میں نے بات کی تھی فاروق ابن صفی کے اسلوب اظہار اور اس کی انفرادیت کی،
इब्ने सफ़ी का उसलूब जिस ज़राफ़त तहनशीं के लिए जाना जाता है उसका उसके हामिल चंद जुमलों का तर्जुमा भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़राफ़त तहनशीं को गिरफ्त में लाना और वो तर्जुमे की ज़बान में बेहद मुश्किल है। बज़ाहिर इनमें कोई पेचीदगी नहीं है, लेकिन इसकी ज़ेरी लहर महसूस करने की ज़रूरत है। तीन चार दिन पहले की बात है हमीद मुस्कुरा कर बोला, यहीं आल चुनू में एक साहब फरमा रहे थे कि मुझे खुदा ने ख़ास मिशन पर भेजा है, लेकिन मैं कुर्सी से उठ नहीं सकता उनकी मेज़ पर जिनकी दो खाली बोतलें रखी हुई थी। अब तर्जुमा देखिए। जस्ट 3 or 4 days ago, हमीद सेड स्माइलिंग राइट हियर इन द आल चुनू हैड अ फेलो सेइंग दैट गॉड हैड सेंट हिम टू अर्थ ऑन ए स्पेशल मिशन बट ही वॉज अनएबल टू राइज फ्रॉम हिज चेयर। There were 2 empty quarter bottles of gin on the table in front of him. एक साहब फरमा रहे थे, मैं जो तन से ज़ाहिर है उसे अंग्रेज़ी में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ जमा का सीगा सीगा ताज़ीमी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन फारूकी ने ऑन ए स्पेशल मिशन से पहले टू अर्थ का इजाफा के लफ्ज़ का इजाफा करके मानी को मज़ीद वसअत दी है, यानी वो साहब बज़ो में ख़ुद जिस मिशन पर भेजे गए हैं उसका ताल्लुक आम कारगहे हयात से न होकर एक आसमानी हिदायत से है जिसकी तबलीग के लिए उन्होंने मुंतखब किया गया है। चूँकि हर टू का एक फ्रो होता है, यानी हर इंतहा की एक इब्तदा होती है, इसलिए टूअर से पहले फ्रॉम हेवन का इलाकास खुद कायम हो जाता है। जाहिर है कि खुदपरस्ती के शदीद नशे की पैदा करदा तलवुन मिजाजी इसी तरह की जहनी खलाबाजियों को वजूद बख्शती है कि इंसान खुद को इंतहाई महदूद सलाहियतों के बावजूद पूरे आलम इंसानियत का नजात दहिंदा समझने लगता है। तर्जुमे में तख्लीक या तसनीफ़ के किसी एक लफ्ज़ के साथ मुतरजम अक्सर व बेशतर एक या दो अल्फाज का इस्तेमाल करता है ताकि मफहूम की तरसील का अमल तशना न रह जाए। मुतालियात तर्जुमा के इस्तिलाह में हम इसे एक्सपेंशन इन मीनिंग कहते हैं। इस मौके पर फारूकी साहब ने इसी से काम लिया है। ये जुमला देखिए। वो अक्सर गलतफहमी में मुबतला हो जाती थी कि फरीदी उसकी तरफ झुक रहा है, हमीद उसे महसूस करके बगले बजाता और पेशेंगोई करता कि वह आइंदा साल तक टीबी में मुबतला होकर मर जाए। She often made the mistake of imagining that Faridi fancied her, and she sometimes had trouble hiding her feeling. Hamid, whenever he noticed this, would start hooting and chortling and making predictions that she would die of tuberculosis before the end of the year. मुंतजा बाला मदन के तर्जुमे के वक्त फारूकी साहब ने इब्ने सफ़ी के तहरीर करता मुहावरे बगले बजाना का तर्जुमा करते वक्त ये देखा कि कोई मुनासिब मुतरादिफ मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्होंने हूटिंग और चॉलिंग से इसका तर्जुमा किया है। जाहिर है कि यह लफ्जी तर्जुमा नहीं है या मुहावरे की जगह पर दूसरा मुहावरा नहीं है, लेकिन मफहूम बयान हो गया है। शी समटाइम्स हैड ट्रबल हाइडिंग हर फीलिंग, यह जुमला इजाफी है जो फारूकी साहब ने असल मतन के साथ इस्तेमाल किया है, यानी कभी कभी उसे अपने एहसासात को छुपाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फारूकी ने असल मतन के साथ इस इजाफी जुमले को तर्जुमे में क्यों शामिल किया, बज़ाहिर इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। शायद इसका सबब यह रहा हो कि आखिर रेखा के जज्बात का इल्म हमीद को कैसे हो जाता था। जाहिर है कि इसके लिए खुद रेखा की जानिब से किसी रद्द अमल की ज़रूरत थी, इसीलिए फारूकी ने इन दो सूरतों में मंतिकी रब पैदा करने के लिए मुंदरजा बाला जुमले का इजाफा तर्जुमे में किया। दौरान तर्जुमा मफहूम की सतह पर मुतरजिम की यह मदाखलत शौरी भी हो सकती है और लाशौरी भी। लाशौरी मदाखलत हमेशा मुतरजिम के अहद व माहौल अकायद व अफकार और मिजाज व रवैये की बिना पर वजूद में आती है और इस पर मुतरजिम को कोई अख्तियार नहीं होता। तर्जुमे में शौरी मदाखलत के ताल्लुक से वेनुटी कहता है, मुतालियात तर्जुमा में इस तरह के हजफ़ व इजाफे को हम तर्जुमे में मुतरजिम की मदाखलत का नाम देते हैं। ये मदाखलत शौरी के साथ साथ लाशौरी भी हो सकती है। लाशौरी मदाखलत मुतरजिम के अपने समाजी व तहजीबी पस मंज़र के साथ अमल पज़ीर होती है। शौरी मदाखलत के लिए वेनुटी का ख्याल है कि मदाखलत की इस्तिलाह से तर्जुमे के वो इंतखाबात मुराद हैं जो उन मतनी तासुरात सकाफती अकदार समाजी अफ़ाल की बुनियाद पर दानिस्ता तौर पर किए जाते हैं जो तर्जुमों को हदफ़ी सूरत हाल में लाहक होते हैं। ज़ाहिर है कि तर्जुमे में शौरी मदाखलत की जो तारीफ़ वेनुटी ने वज़ा की है उसकी रोशनी में फारूकी साहब का मुंदरजा बाला इजाफी जुमला शौरी मदाखलत के तहत उस मतनी तासुर का नतीजा है
जो दो जुमलों के दरमियान पाए जाने वाले मंतिकी अदम रब्त की बिना पर पैदा हुआ है, यानी रेखा के जज्बाती सूरत हाल का इल्म हमीद को किस तरह हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फारूकी साहब को यह इजाफी जुमला कौसैन में लिखना चाहिए था या उन्होंने इसे असल मतन का हिस्सा बनाकर तर्जुमे की रवानी को मजरूह कर दिया। मुतालेह तर्जुमा के माहरीन इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि मुतर्जिम मौक़ा महल के अतबार से ये दोनों सूरतें अख्तियार कर सकता है। फारूकी ने जो सूरत अख्तियार की वो बेहतर है और यह जुमला इंतहाई रवानी के साथ तर्जुमे में आता है और असल मंशाए मुसन्निफ पर असरअंदाज नहीं होता। अब इसी सीरीज के दूसरे नावल पानी का धुआं से एक इक्तबास भी मुलाहिज़ा हो। फारूकी ने स्मोक वाटर के नाम से इसका तर्जुमा किया है और इस तर्जुमे में भी उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि तर्जुमे में वो सिचुएशन पहुंच जाए जो असल में मौजूद है। मैं इक्तबास ले नहीं दे रहा हूँ कि वो तवील है, लेकिन अब आइए एक दूसरे इक्तबास की तरफ। एक और अहम किरदार फारूकी का जो सबसे अजीब व गरीब है वो है कासिम। ज़्यादा गुफ्तगू में इसी पर चाहूँगा, जो जिस कदर मोटा है उसी कदर लंबा भी। कासिम का सबसे बड़ा मसला उसकी ज़बान और तलफ़ुज़ है। वो काफ को काफ, गाफ और गैन में फ़र्क करने की सलाहियत से महरूम है। उसका कहाँ की जगह कहाँ और गायब की जगह गायब कहना, गाली देते वक्त साले की जगह ब्रदर इनला कहना, बीवी को गिलहरी और चपाती बेगम के लकब से नवाजना, हमीद को हमीद और कर्नल साहब को कर्नल साहब कहना, ये वो सारी खसूसियात हैं जिनको अव्वलन तर्जुमे में मुंतकिल ही नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसी कोशिश की भी जाए तो कासिम की ज़बान से अदा हुए अल्फाज के गलत तलफ़ को सामने रखते हुए उनके अंग्रेज़ी मुतरादफात के तलफ़ में भी अगर बिगाड़ पैदा किया जाए तो ये अमल अंग्रेज़ी में उस तरह मूजिब मिजाज नहीं होगा कि जिस तरह उर्दू में है। यही सबब है कि जब फारूकी तर्जुमे के दौरान कासिम तक पहुंचते हैं तो उन्हें हाशिए में उसके ताल्लुक से एक नोट लिखना पड़ता है और वो इस नोट की मदद से किसी न किसी तरह कासिम की बौखलाहट को तर्जुमे में मुंतकिल तो कर लेते हैं, लेकिन तर्जुमे के कारी को बहरहाल वो लुत्फ हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता जो तख्लीक पढ़ने वाले को होगा। चंद जुमले देखिए। उसके कपड़े शोरबे के बड़े बड़े धब्बों से ज़ाफ़रान ज़ार बने हुए थे। नन्नी मुन्नी बीवी ने उसकी हयत देखी और खिलखिला कर हंस पड़ी। His petite wife burst into laughter at the sight of his clothes, which were covered with large saffron-colored soup and sauce stains. ये तर्जुमा किया है। क्या किसी ने बावर्ची खाने में बंद करके मारा था? उसने हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा और कासिम नाच गया। It looks as if someone shut you up in a kitchen and then had a proper go at you, she said, barely succeeding in containing her laughter. कासिम डांस्ड अबाउट, अनेबल टू कंट्रोल हिज रेज। मैं अभी चाचा जान को फ़ोन करती हूँ, कर दो, कासिम रो में बोला। फिर जब यक संभल कर हकलाने लगा, तुम बेकार मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं तो मिलाद में गया था। आई विल कॉल अंकल आसिम जस्ट नाउ, ओके गो गेट हिम, ही शाउटेड, रियलाइज हिज फॉली। Then very next moment, he pulled himself up and stammered in a pleading voice, I went to a religious meeting, a Milad celebration. That's it, I was at a Milad celebration. Farooqi sahab ne Qasim ke zehni halat ko tarjume mein muntakil karne ki kamyab koshish ki hai, lekin ek hi lafz ya kai lafzon ke mabain waqfe ya pause se हकलाहट का तसव्वुर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन अपने वालिद आसिम से बेइंतहा डरने वाले कासिम की ज़बान में पाई जाने वाली लड़खड़ाहट और घबराहट से कारी को मुतारिफ कराने के लिए उन्हें कासिम और उसकी बीवी की गुफ्तगू के दरमियान ही मदाखलत करते हुए आसिम साहब का तारुफ कराना पड़ा। इसके अलावा मिलाद से पहले रिलीजियस मीटिंग का इजाफा भी करना पड़ा, जो मेरी दानिश में कतान ज़रूरी नहीं था। कारी ये फारूकी ने इसलिए किया कि कारी तर्जुमे के ज़रिए असल मफहूम तक पहुँच जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे मौक़ों पर बहुत कुछ हाशिए में बाद में दे दिया जाए और असल मतन में इस तरह के जुमलों का इजाफा न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, चाहे कि ज़बान एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ ना हो कि दोनों में कोई तहजीबी रब्त ना पाया जाए। दौरान तर्जुमा मुतर्जिम की इस मदाखलत को तराश खराश का वो अमल करार देते हैं जो किसी ऐसे मतन को अपने माशरे
اور ثقافت کے حسب حال بناتا ہے جو معاشرتی تفاوت کے لحاظ سے حتفی زبان کے معاشرے اور تہذیب کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ نظریہ مداخلت کے حامل ماہرین ترجمہ کی نظر میں اس طرح کی مداخلت ضروری بھی ہے اور مستحسن بھی، لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ ترجمے کا مطلب کسی دوسری زبان کی جھلکیاں رکھنے والے متن کو اپنی تہذیب میں ڈھالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حتفی زبان میں مفہوم کے ساتھ ہی ان ادبی، لسانی اور تہذیبی و ثقافتی خصوصیات و امتیازات کو بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں جو بنیادی متن میں پائے جاتے ہیں۔ یہ فکر اس پر اصرار کرتی ہے کہ مصنف یا تخلیق کار کے وقوفی ماحول، کوگنیٹیو انوائرمنٹ کو بھی دوران ترجمہ مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کا معنی آپ محض اس زبان کے لسانی نظام کے تحت دریافت نہیں کر سکتے، بلکہ مترجم کو مصنف کے وقوفی ماحول کی تفہیم اور ترجمے میں اس کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ متن کے مفہوم کو اس تہذیبی فضا میں رکھ کر سمجھا جائے جس میں مصنف یا تخلیق کار نے اسے تصنیف یا تخلیق کیا ہے۔ مقالہ اسی طرح کی بہت سی مثالوں سے گرابار ہے جن کی قرأت کرنا یہاں موقع ہے اور نہ ہی وقت۔ جب سیمینار کی پروسیڈنگ شائع ہوں گی تو پورا مقالہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی۔ شکریہ۔ یہ سیشن رچ سیشن تھا۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ یہ تھے پروفیسر محمود کاظمی صاحب جو فکشن کے نقاد ہیں اور خاص طور پہ بیدی پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب چند وجوہات کی بنا پر جڑ نہیں پا رہے ہیں، تو اب میں صدارتی کلمات کے لیے اس جلسے کے صدر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب سے ادباً التماس کرتی ہوں کہ آئیں اور آپ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، چلیے صاحب، خواتین حضرات، آپ نے افتتاحی اجلاس دیکھا، پھر اس کا کل کے دونوں تینوں اجلاس میں آپ لوگ شریک رہے، اور اس وقت یہ اجلاس جس میں آپ شریک ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مقالات پڑھے گئے اس پر مجید بیدار صاحب نے اچھی گفتگو کی اور اچھا مشورہ بھی دیا کہ فاروقی صاحب کے تعلق سے کوئی ٹرسٹ، اور یہ بہت آسان کام ہے فاروقی صاحب کے تعلق سے۔ فاروقی صاحب نے جو ایک بڑا کام کیا ہے جو عام اردو والے نہیں کرتے، تو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ادب کی طرف راغب کر دیا ہے، بلکہ بہت ہی انہماک کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دونوں صاحبزادی جو ان کی ہیں اس کام پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے اردو کے ادیبوں اور شاعروں، نقادوں بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کی سب سے بڑی محرومی یہ ہوتی ہے کے بعد تو آپ فل اپ دی بلینک ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو اردو جو ہے جہازوں میں گھماتی ہے، فائیو سٹار ہوٹلوں میں رکھتی ہے،
उनके बच्चे उर्दू के ताल्लुक से बहुत कमज़ोर होते हैं, कोई दिलचस्पी उनकी होती नहीं है, और बीवियां तो बहुत खाल खाल होती हैं, उनको शौहर से पूरी दिलचस्पी होती है, लेकिन शौहर वो उर्दू की किताबों से और उर्दू के दोस्तों से, उर्दू के सेमिनारों से इस कदर आजीज और परेशान रहती है बेचारी के मत पूछिए। हमने चूंकि अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि जनाजा उठने से पहले किताबें मुंतकिल कर दी गई। बेगम ने कहा कि पहले उनको छोड़ो, अभी हूं तो अपना उनका इंतो हो गया जो होना था, पहले किताबें यहां से सरकाओ। जिंदगी में इसने ड्राइंग रूम कभी साफ रहने नहीं दिया, पहले ये किताबें यहां से। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि फारूकी साहब के ताल्लुक से ये सेमिनार हो रहा है, और मजीद बेदार साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, और इसकी इस तजवीज़ को, इस प्रपोज़ल को मेरा ख़्याल ये है कि दस्तखत के साथ उनके जो लोग हैं उन तक पहुंचा देना चाहिए ताकि ये ट्रस्ट कायम हो। और वाकया यही है कि फारूकी की तफीम एक दो ढाई तीन दिन के जलसों में, सेमिनार में, या हम जैसे छुड़भइयों की तकरीर से बात नहीं बनेगी। इस पर गौर करना ही होगा, सोचना ही होगा इस पर कि फारूकी जिसने 1966 में अपने लिए एक लायमल तय किया, एक नस्बुल ऐन तय किया, एक मंजिल तलाश की कि हमें वहां तक पहुंचना है, और उस वक्त के 60 से लेकर के 85 तक की तमाम जनरेशन को अदब के उसकी तरफ रागिब किया, मुतवज्जे किया, और एक लफ्ज और इस्तेमाल करूं मैं बाद में कि गुमराह किया, लेकिन खुद तो सिराते मुस्तकीम की तरफ वापस आ गए, और 60 से लेकर 85 तक में जो अफसाने जदीदियत के नाम पे लिखे गए, जो शायरी करते रहे हम लोग, उसने सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि हमसे हमारा कारी छीन लिया। रिसालों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए लोग डरने लगे कि इसको ले जाके करूंगा क्या, पढ़ के समझ में कुछ नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि इतने जमाने के बाद फारूकी कई चांद थे सर आसमां लिख रहे हैं, और कब्ज़े ज़मां जिस पर आपने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, इस पर एक मजमून इंतखाब हमीद साहब का भी छपा है कब्ज़े ज़मां पर, लेकिन उन्होंने उस तसव्वुफ वगैरह को उस तरह जिक्र नहीं किया है जिस तरह से आपने उसको लाया है, कोशिश की है उस पर, कि अच्छा मजमून है, बहुत अच्छे निकात की तरफ आपने इशारा किया है, और यही ज़रूरत होती है किसी पर्चे में गुफ्तगू करने के लिए कि कुछ सोचने पर मजबूर किया जाए कि साहब ये क्या है। और चूंकि एक बड़े फनकार का वो नावल है तो उसमें कई डायमेंशन तसव्वुफ के भी निकल सकते हैं, तारीख़ के भी निकल सकते हैं, तहजीब की बाज़याफ्त के भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो आपका मज़मून वाकया यह है कि बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा मज़मून है, और इसको छपना चाहिए, जब लोग पढ़ेंगे इसको तो फिर इस पर और बहस होगी, बातचीत होगी, लेकिन इस पर सवाल कायम होगा कि साहब आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि फारूकी साहब ने उस बहरान का जिक्र नहीं किया, उस पर कोई नावल नहीं लिख रहे हैं जिस जो जदीदियत का जो पूरा फ़लसफ़ा है, वजूदियत के ताल्लुक से, तजरीदियत के ताल्लुक से, ऐसे किरदार तो होंगे ना समाज में जो बेचेहरगी के, जवाल आमादगी के, ऐसे तो चेहरे हैं यहाँ पर मौजूद। आखिर उस मौजू को फारूकी साहब ने न तो सवार में छुआ, वहां भी गालिब आ गया उन्वान, पूरे पस मंजर को देखिए, कई चांद थे सर आसमा भी देखिए, कब्जे जमा भी देखिए, गालिब भी देखिए, सवार भी, सब देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि वो कहाँ, उनकी जो उनका जो दायरा फिक्र है वो कहाँ घूम रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, नवा है तो किस बात का, बाजियाब करना चाहते हैं तो किस माहौल, किस जमाने की तलाश में है तो किस चीज की। तो तलाश तो आपको उसी को करना चाहिए था जिसके हवाले से आपने
टीएस एलियट और टेनिसन और एम्पसन और किसकी किसकी बातें आप जब नज़मों के इंतखाब में आप शफ़ून में जहां वजाहत हुई वहीं रद्द कर दिया आपने, जहां अफसाना इख्तिताम पर अपनी बात वाजे कर रहा है वहीं उसको रद्द कर दिया आपने, तो अब ये जो आप कई चांद थे सरे आसमां लेकर आए या कब्ज़े ज़मां लेकर के आए या सवार है या उनके उसमें अफसाने हैं, इसमें तो बिल्कुल इसके किरदार वाजे हैं। किस तारीख की, किस जमाने, किस जमान के, किस मकान की बात आप कर रहे हैं वो सब वाजे है उसमें, आपने उसको इंटरप्रेट किया है नए इससे। तो ये इस पर बहुत संजीदगी से गौर किया जाएगा, आज नहीं तो कल किया जाएगा, लेकिन ये होगा। मैंने तो जो मकाला लिखा था वो तो उनकी शायरी के ताल्लुक से था, फारूकी साहब की शायरी, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना होता तो मैं पहले ही सेशन में पढ़ देता, वो छपेगा तो आप लोग उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं फारूकी साहब को शायर मानता हूँ, ना कोई अहम शायर मानता हूँ ना कोई बड़ा शायर मानता हूँ। उन्होंने जो अपनी गज़लों में और नज़मों में जो मौजूआत लिए हैं, बाज शेर ऐसे हैं जो मौजूआत बिल्कुल अछूते और नए हैं, इसके बावजूद मैं अभी हाथ उठाने के, अगर ये सामईन बैठे हैं हमारे सामने, अगर अभी इनसे मैं हाथ उठाने के लिए कहूं कि आप फारूकी साहब को किस हैसियत से ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं और पहचानते हैं, तो आप एक ही हैसियत देंगे, वो है तनकीद निगार की। आप उनको दूसरे नंबर पे अफसाना निगार कह दें, नावल निगार कह दें, शारह कह दें, तर्जुमा निगार कह दें, लेकिन जो पहली हैसियत जो हमारे यहाँ बनती है उनकी, वो एक बड़े और अहम नाक़िद की, इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने जो जिस तरह की तनकीद की है वो कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद की याद दिलाती है। ये हिम्मत, ये जुर्रत भी कम लोगों में होती है कि अपने पस मंज़र और पेश रव को रद्द करें, ये भी बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है, बड़े मुताले की ज़रूरत होती है तब जा करके आप अपनी बात को कह पाते हैं। तो वाकया ये कि ये हमारे प्रोफेसर मुसर्रत साहबा ने बहुत ही, चूँकि कब्ज़े ज़मां पे सबसे कम लिखा गया है और बहुत से लोगों को इसका नाम भी नहीं मालूम है, मुझे वो रहील साहब को मज़मून चाहिए, मैं मांग रहा था फारूक बख्शी साहब से, जो दलदल का जो जिक्र किया है, चूँकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो कि वो कहाँ है नावल, वो तहरीर कहाँ है, मैं वो मज़मून चाह रहा हूँ देखना, नहीं मैं चाह मैं देख के जाऊँगा भाई साहब, हाँ मैं तो नहीं मज़मून लिखा है उन्होंने भाई, तो कोई तो आवाज़ तो सामने होगा, वैसे मैंने भी 5 नावे लिखे हैं, मैं कह सकता हूँ यहाँ से, और उस पर मज़मून भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन तहकीक का तरीक़ाकार ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री चीज़ें होनी चाहिए, वो हैं भी नहीं जो मैं उनसे बात करूँ, अरे भाई मेयार शायद मौली कर पब्लिकेशन से निकलता था, वो तो बहुत पहले हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। अब बहरहाल चलिए उसका जिक्र हम, पता नहीं आप, आपके नॉलेज में बेदार साहब, आप आज ही लोगों के नॉलेज में आया है, आज ही नॉलेज में आया, छुपा के रखा था उन्होंने, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। बहरहाल ठीक है, अच्छी बात है, अगर वो कोई दरियाफ्त नई सामने आती है तो इसमें हम लोगों को खुशी होनी चाहिए, उस पर गौर करेंगे, इसीलिए तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर वो अगर है तो कहाँ है, और मैं ढूंढ के पकड़ूंगा उनको, जब छोड़ूंगा नहीं, बात करूंगा उनसे। हाँ हमको तो बिल्कुल तलाश रहती है ना कि जो आदमी कहीं कुछ चीज निकलती है तो उस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए, हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिरोज ने भी कई चांद थे अरे इसमां के हवाले से बहुत अच्छा मजमून पढ़ा, और जाहिर सी बात है कि जब आदमी स्टेज पर मकाला पढ़ता है या उसके लिए लिखता है तो उसमें बहुत सी मिसालें छोड़ देता है, वक्त का भी ख्याल लगता है, मुझे लगता है कि और इसको एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे तो बात बनेगी। कब्ज़े ज़मां को तो आप एक्सटेंड कर दीजिए, कह दीजिए कि साहब कई चांद थे सरे आसमां की तौसी है, वो जो बात बहुत सी वो नहीं कह पाए हैं,
नहीं नहीं मैं नहीं ये नहीं, अब तो आपका अच्छा है, आप बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए तब भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन है वो, कई चांद थे सरे आसमा का, वहां जो बात नहीं कह पाए थे ना फिर वो यहाँ कह रहे हैं, गालिब में जो बात नहीं कह रहे थे, जो सवार में छूट गई थी बहुत सी चीजें, वही उसकी वजह से उनको कई चांद थे सरे आसमा लिखना पड़ा। ये होता है तख्लीककार के साथ कि बहुत एक गजल में बात नहीं कह पाता फिर दूसरी गजल तलाश करता है, तख्लीकी इजहार के मुख्तलिफ रवैये उसको उसको तलाश करने पड़ते हैं। आखिर इब्ने सफ़ी के नावलों को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने की ज़रूरत फारूकी साहब को पेश आई तो कोई तो वजह रही होगी ना, उनको ये एहसास रहा होगा अंग्रेज़ी जासूसी नावलों के की कमाईगी का, तब उन्होंने कहा कि साहब ये देखो हमारे अदब में ये चीज़ है और तुमसे बेहतर तौर पर हमारा नावल निगार इब्ने सफ़ी इसको पेश कर रहा है। ये है कमाईगी का एहसास जिसको वो चाह रहे थे दिखाना उनको आईना कि ये देखो हमारे लिए, हम तुमसे मरूब नहीं हैं, हमारे पास भी ऐसे नावल निगार हैं, हमारे पास भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जो बात, आप तो खुद ट्रांसलेशन के आदमी हैं और भी यहाँ ट्रांसलेशन का पूरा शोभा है, यही वजह है कि उन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस की है फारूकी साहब ने वहाँ लफ्ज़ क्वाइन किए हैं नए, या हाशिए में या ब्रैकेट्स में वावैन में वो चीज़ें उसकी वजाहत की है ताकि पढ़ने वाला अंग्रेजी पढ़ने वाला चीज़ों को समझ सके और पूरी मंजरकशी पूरी तस्वीर उसके सामने आए। ये है फारूकी साहब का कमाल। यही काम हमारे कुरतुल हैदर ने भी किया है, उन्होंने जहाँ महसूस किया चीज़ों को पेश कर, यही तो हमारा मकसद है, तरक्की पसंद तहरीक ने यही तो किया, सज्जाद हैदर ने यही तो किया। अगर वो अफसाने तर्जुमा होकर उर्दू में नहीं आते तो हम जहाँ थे वहीं खड़े रहते। तो तर्जुमे का ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा किरदार होता है अदब के फरोग, अदब के इर्तका के लिए, और वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता है बल्कि आईना भी दिखाता है दूसरे अदब के लोगों को कि साहब हमारा सरमाया अदब ये है, हम इस पर फख्र करते हैं और कर सकते हैं और करते रहेंगे। अब जो है महमूद कादमी साहब का जिक्र आ गया बहुत, हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी या है, अब तो थी हो गई चलिए, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत लाजवाब बहुत अच्छा था, जाहिर सी बात है कि आप मझे हुए आदमी हैं और जानते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर, तो उस हवाले से भी बहुत अच्छा है कि आपने इसको किया। और किसका मजमून था भाई, किसी का छूट तो नहीं ना, बाद में शिकायत होगी ना मेरे मजमून पर, तीन ही मजमून, ये शहीम साहब की साजिश है ये, चार कर दो भाई। तो ये मेरी खुशकिस्मत, सॉरी ये मेरे नहीं नहीं वो मतलब ये कि आप लोगों के लिए अच्छा हुआ कि साहब एक पर्चा कम हुआ तो खाना खाना बेहतर तौर पर आप खा पाएंगे। ये तो मैं ये जो मेरी गुजारिश थी, मैं जो मारूजा था वो ये कि इस वक्त जो फारूकी साहब में वहाँ पे बैठे बैठे भी बात करके, तो बहुत रिच सेशन इस एतवार से है कि यंग नए लोगों ने फारूकी साहब को नए सिरे से तलाश करने की कोशिश की है, चाहे वो मुसर्रत साहबा हों, चाहे फिरोज साहब हों और हमारे महमूद कादमी साहब हों और हमारे तालिब इल्म जो इस वक्त यहाँ शरीक हैं। कल भी ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ, जो हाजिर हैं वो तो हाजिर हैं और हम लोग उर्दू वाले तो हमेशा पसे पर्दा ही साजिश करते हैं, अब तो पसे पर्दा सब अब तो पसे पर्दा भी बहुत लोग हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और ये पता नहीं क्या क्या है, वही फेसबुक पे भी जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सब पे जा रहा है ना, हमारी रुसवाई का पूरा पूरा इंतजाम है कि आप जो और वो रिकॉर्ड हो या ना हो उससे क्या फर्क होता है भाई, एयर में है तो। लेकिन बहरहाल ये फारूक बख्शी साहब को ये क्रेडिट जाएगा, कल भी ये बात हो रही थी कि फारूक साहब ये ताल्लुक से सेमिनार तो होगा, होते ही रहेंगे सेमिनार, लेकिन ये सेमिनार एक बुनियादी ईंट का काम करेगा, जब भी जिक्र होगा फारूकी साहब के हवाले से उनके सेमिनार के ताल्लुक से तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि सबसे पहला कोई जो बड़ा और अहम सेमिनार लेंदी सेमिनार किसी ने किया है तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के में ये मुनक़िद हुआ, और सिर्फ
जिसने मुनाकिद किया उसमें सिर्फ ये का इजाफा नहीं है, बाकी फारूक और फारूकी में कोई ज्यादा लेकिन हम लोग उसको फारूकी साहब की मोहब्बत से महबूल न करें बल्कि इनकी इनकी ईमानदाराना कोशिश है फारूकी साहब के ताल्लुक से कि उनका असेसमेंट किया जाए, उनका मुहाकमा किया जाए और फौरी तौर पर अभी अपने तालिब इल्मों से बातचीत की जाए, उनको इस बात पर उकसाया जाए, प्रोवोक किया जाए, रागिब किया जाए कि शमसुर रहमान फारूकी की तमाम तर तहरीरों से वो गुजर लें, जितनी जल्दी पढ़ना चाहें। आखिर इतनी बातचीत हो रही है तो इनके जहन में कुछ तो कीड़े पल रहे होंगे ना कि साहब इन, 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 के वो ये हर अच्छे उस्ताद की बुनियादी खूबी होती है कि अपने तालिब इल्मों को गुमराह करे और उनके अंदर कीड़े जो है पनपने के लिए उसका पूरे खाद का इंतजाम करे। तो ये सेमिनार एक तरह का खाद है जो फारूकी साहब की तफीम ताबीर के लिए आपको उकसाएगा, आपको मतवज्जे करेगा कि साहब हम देखें फारूकी साहब ने आखिर कैसे किया और क्या किया। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज तलबा, बेसिक बात यह है कि फारूकी साहब की शख्सियत को पहले समझिए। और सिर्फ फारूकी साहब की नहीं, ऐसे तमाम बड़े लोग जिनको हम याद करते हैं, जिनकी लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ते हैं और सर ढूंढते हैं, उनकी शख्सियत पे ज़रूर गौर कीजिए। किस तरह, किस नशे व फराज से वो गुजरे और अदब के ताल्लुक से उनकी दिलचस्पी कैसी और कितनी रही है। फारूकी साहब के बारे में दुनिया जानती है कि कोई भी वक्त हो मुताला और कभी भी जब आप गुफ्तगू उनसे करें तो थोड़ी देर तो जाहिर सी बात है कि तफरी बफरी होती है, बाद में फिर वो अपने मकसद पे आते हैं और गुफ्तगू इस तरह की करते हैं जिसमें आप कुछ सीख लेते हैं। जितने भाई उन्होंने जाहिर सी बात है कि इतने लोग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं और फारूकी साहब की तहरीरों को पढ़ते हैं, मानते हैं। वो अशर नजमी साहब आपके साथ जुड़ नहीं पाए लेकिन अशर नजमी साहब ने तो जितना काम किया है फारूकी साहब के ताल्लुक से और जिस तरह तलाश-ओ-जस्तू में लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक आदमी, एक शख्स, वो पूरे इदारे की सूरत जो है वो छाया हुआ है और हमें इस बात की तरफ रागिब कर रहा है कि मेरी तहरीरें पढ़ो और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए और अगली नस्लों के लिए हमने क्या किया है। खुद फारूकी साहब ने अपने लिए क्या किया, भाई हमारे लिए किया, हम उनसे सीख रहे हैं, उनकी तहरीरों से सीख रहे हैं, हमें वो हौसला बख्शते हैं कि तुम भी इस तरह काम करो। माफ़ कीजिएगा, ये भी तो गौर करने की ज़रूरत है कि फारूकी साहब का पेशा रोजी रोटी का इंतजाम उर्दू ने नहीं किया, लेकिन वो जिंदगी भर उर्दू के लिए काम करते रहे। लेकिन इर्तज़ा करीम साहब जो मुस्तकिल उर्दू की रोटी खा रहे हैं, शहीम साहब क्या किया है? इर्तज़ा करीम साहब ने कुछ भी नहीं किया है उर्दू के लिए, ऐसा कुछ किया है पिछले 20 वर्षों में? मजीद बेदार साहब, उर्दू के शोबे के किसी उस्ताद ने कोई एक मजमून काबिल जिक्र लिखा हो जिस पर गुफ्तगू की जरूरत हो? हमें अपने गरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उर्दू में जितने बड़े काम हुए हैं सब गैर उर्दू वालों ने किए हैं। गैर उर्दू से मुराद मेरी यह है जो रोजी रोटी नहीं खाते उर्दू से, चाहे वो कलीमुद्दीन अहमद हो चाहे दूसरे। आप उठा के पूरी तारीख देखिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम तनासानी से काम लेते हैं। हमारा मकसद, मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं, तलबा से कहता हूं कि बेटा उर्दू की जो नौकरी होती है वो नौकरी नहीं होती है, वो मिशन होता है, मकसद होता है, नसबुलैन होता है। तुम्हारी दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो अपनी मादरी जबान की हिफाजत और दूसरे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। इसलिए तुमको बहुत मोहतात तरीके से इस तरफ आना होगा। अफसोस की बात है कि हम लोग जिस दिन लेक्चरशिप हमें मिलती है किसी भी तरीके से जुगाड़ से मिल जाए, घर लौट के आते हैं तो सबसे पहले बीवी बच्चों से कहते हैं सारी किताबों के बंडल बांधो, ऊपर रख दो, अब आज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फारूकी साहब की जिंदगी के को पढ़िए, बता रहे हैं कि कौन साहब आए जिन्होंने सवान ही कवाए पढ़ाए। हाँ, अब तो जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने पढ़ा होगा तो आपने सुन लिया होगा।
चलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है, खुदा करे कि और कीड़े पड़े हम दो। लेकिन वो कीड़े वो वाले कीड़े नहीं है, है ना, ये कोरोना वायरस के जरासीम नहीं है, है ना, ये वो कीड़े हैं जो गालिब के दिमाग में पलते थे, जो मीर के दिमाग में पड़ते थे, हमें उन कीड़ों की जरूरत है। अबुल कलाम को याद कीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा था उसने, ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हमें सोने में नजर आते हैं या सोने में हम देखते, ख्वाब वो हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, ख्वाब ही है लेकिन देखिए मफ़हूम बदल रहा है उसका। खुदा के वास्ते फिरोज साहब ने कहा गुमराह की वजाहत कर दीजिए। गुमराह होना आसान काम है मौलाना, बताइए आप शब्दुल्ला साहब। जब होगा ही नहीं तो करेगा ही नहीं, पहले होना शर्त है। आप मुझे बताइए ना कि क्यों को गालिब को पढ़ेगा, फारूकी साहब को मैं क्यों पढ़ूं, बेसिक सवाल है ना, अदब क्यों मैं पढ़ूं, कोई और काम करूं दुनिया का, मोबाइल की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, रिचार्ज करता रहूंगा, दिन भर में उठूंगा तो 500 रुपए लेके उठूंगा, यहां क्या मिलना है हमको। अदब पढ़ने से, गालिब का एक शेर पढ़ने से, उसकी तफहीम करने से बताइए तालिब इल्म आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। क्या मिलना है, जिंदगी की तफहीम मिलती है, इंसानियत की तफहीम मिलती है, रूह को गजा मिलती है, इंसान सिरात मुस्तकीम की तरफ आता है, पहले गुमराह होता है, देखता है नहीं ये मुकद्दर नहीं है इंसान का, ये मुकद्दर है। जब तक आप गुमराह नहीं होंगे आपको सिरात मुस्तकीम की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होगा। अगर मुझे एयरपोर्ट जाना हो हैदराबाद और मैं टैक्सी बुलाऊं और चला जाऊं, वहां उतार देगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं भटक भटक के एयरपोर्ट पहुंचता हूं तब मुझे पता चलेगा कि नहीं राइट टर्न से यू लेना, यू टर्न से सीधा लेना है, फिर वैसे लेना, पूछ पाछ के जब मैं पहुंचाऊंगा हैदराबाद के एयरपोर्ट पे तो मुझे मालूम होगा कि यहां से वहां तक रास्ते में क्या क्या है। वरना सरसरी हम जहान से गुजरे। हाँ देखिए, तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, सिर्फ मजीद साहब ही बेदार नहीं है, पूरे लोग यहाँ बेदार हैं, और मेरी प्रॉब्लम बेदार साहब क्या, मैं बहुत देर तक संजीदा नहीं रह सकता, क्योंकि संजीदगी का रंजीदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंसान को संजीदा होना चाहिए लेकिन रंजीदा नहीं होना चाहिए। तो सेमिनार के, ऐसा नहीं कि फारूकी साहब पर बातचीत हो रही है, सेमिनार पे पर्चे पढ़े जा रहे हैं, मकाले हो रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि फातिहा खानी में आए हैं, है ना। अरे भाई, एक अदब की महफिल है, इसमें गुफ्तगू भी होती है, उससे बातचीत भी होती है। अफसोस के मतलब अगर गालिब और मीर और दाग और ज़ौक और या खुद फारूकी साहब की सोहबत जिन्होंने देखी है, देख महसूस किया है, जो हम लोग बैठे हैं उनकी सोहबत, हम मालूम है किस तरह की गुफ्तगू करते थे। हमारे साथ हम लोगों के बड़े उस्ताद थे तनवीर अहमद अली साहब, अरे बला है? जब बात करते अरे बला, और फिर कोई अगर लड़की या लड़का गुजरा सा वो हो तो अरे लुत्फ ले भाई, जुमले के लुत्फ ले। तो अदब का अपना एक लोग, अब किसी को गाली दीजिए तो कहता है आप गाली बकते हैं, अरे भाई गाली देना कोई आसान काम नहीं है ना, है आखिर गालिब क्यों कह रहा है कि गालियां खा के, तो आसान काम नहीं है। लोग समझते बहुत आसान काम है गाली देना, भाई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों ने जिन्होंने फारूकी साहब को देखा है, सुना है, उनके साथ बैठे उठे हैं, जब वो चरागपा होते थे तो ऐसी खूबसूरत और अच्छी गालियां देते थे कि आप वो गालिब की तरह एक बेमजा ना हुए, हम लोग बेमजा लेते थे उससे, क्योंकि इंसान है, उसको आप फरिश्ता ना समझिए। गालिब हो, मीर हो, दाग हो, फारूकी हो, कमर रईस हो, शमी हनफी हो, ये सब फरिश्ता नहीं है भाई, इंसान है। और इंसान की तफहीम और तखलीक समझ रहे हैं कि किस तरह से ऐसा हम करें कि बच्चों के जहन में, आने वाली नस्लों के जहन में एक जो कायनात है इसकी पूरी तफहीम हो सके। मैंने उनको शेर कहने का, कई चांद थे सरे अवतलिक, पोस्ट मास्टर जनरल थे,
अपना रिश्वत लेते और काम करते जिंदगी गुजारते हैं इससे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मैदान इंतखाब किया अपना कि भाई मुझे अदब की खिदमत करनी है, उर्दू की खिदमत करनी है, और जिसके लिए वो जिंदगी भर काम करते रहे। ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने अदब के साथ वो जिम्मेदारी, उसकी तरफ से कोई कभी आप लोगों ने सुना सरकारी मुलाजमत के ताल्लुक से कभी कोई आपने बात सुनी उनके हवाले से कि कोई कहीं कोई परेशानी हुई है, कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी है, या कोई उन्होंने उसकी तरफ से चश्मपोशी की हो? नहीं नहीं, वो अपना जो उनका काम था सरकारी मुलाजमत जिस नौयत की थी उसको पूरी ईमानदारी से निभाया उन्होंने, कहीं उसमें कोई लोच नहीं है। और एक तरफ अदब के हवाले से जो उन्हें, जिन लोगों ने उनकी किताबें लाइब्रेरी देखी है जाकर के, मेरा ख्याल है कि ये भी इसका इल्तज़ाम और इंतज़ाम होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, तलबा के लिए, कि देखें कि पूरे घर में कैसे उन्होंने पूरी लाइब्रेरी कायम की। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनकी, और कहाँ कहाँ से किताबें हासिल करते थे। ये जो आप कब्ज़े ज़मा या आखिर शान चांद सर आसमा, ये जो ये मजाक नहीं है, कितना कितना पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा है। ये जॉनसन ने कहा है ना कि साहब एक किताब लिखने के लिए पूरी किताब पूरी लाइब्रेरी खंगालनी पड़ती है, जॉनसन का कौन है ये? तो क्या यही कुरत नजर भी कह रही है कि मैं जिस तरह के नॉवेल लिखती हूँ इसके लिए मुताला बहुत जरूरी। तो दैट वाज, हम लोग चाहें कि बैठ के एक बार पढ़ लें और कई चांद थे सर आसमा की तफहीम हो जाए, ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको तारीख के और तहजीब के उन तमाम नशेब व फराज से गुजरना ही होगा, पढ़ना ही होगा, तारीख से रुजू करना ही पड़ेगा आपको, तब जा करके आप सही बात कर पाएंगे। रिस्क हलाल हो गया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर के सदारती कलमा से हम सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। जी चाह रहा था कि ये महफिल सदारती कलमात की जो महफिल थी कभी ख़त्म ही ना हो। बहरकैफ सदारती कलमात के लिए मैं प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही आज के पहले सेशन के सदर जी सर प्रोफेसर मजीद बिरा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तफसीली शुक्रिया कर दीजिए, मैं एक मिनट ले लूँगा। जी जी सर। बद्र सुल्ताना साहब आपका शुक्रिया अदा करें, मैं दो मिनट आपके लेना चाहूँगा दरमियान में। ये हमारी खुशबख्ती है कि ऑनरेबल वीसी साहब ने आने का वादा किया है वैलिडिटी सेशन में, और ये वैलिडिटी सेशन ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगा। मैं तमाम तलबा तालिबात से ये कहूँगा कि वो 2:30 से 3:45 के दरमियान खाने के बाद यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि बर वक्त शुरू हो सके सेशन। और इस सेशन के बारे में तो मैं क्या अर्ज़ करूँ, इर्तज़ा करीम साहब ने इसको जिंदा कर दिया पूरे सेमिनार को, और ये एक तरह से आखिरी है इख्तितामिया से पहले का सेशन, और ये यादगार रहेगा मैं समझता हूँ कि हमारे सेमिनारों की तारीख में अदबार से। शहीन साहब को ख़ास ऐलान करना हो तो बताइए कि इसके बाद खाने के लिए सब तशरीफ़ ले चलेंगे बाकायदा। और लेकिन मैं तलबा से ये करूँगा कि वक्त पर आएँ, जिस तरह थोड़ा सा सुबह आपने तसाउल बरता है वैसा मत बरतिए खुदा के लिए। मैं और शहीन साहब यहाँ बर वक्त मौजूद हैं पहले से, और आप देर से आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। हमारे मौजूद मेहमान आ गए तो चारों मकाले लाजवाब मकाले। मैं असल में बदनाम हूँ तारीफ करने के मामले में, लोग कहते हैं बख्शी साहब तो सबकी तारीफ करते हैं, मैंने तो इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन यकीन जानिए कि कब्ज़ ज़मा के हवाले से प्रोफेसर मुसर्रत जहाँ जो हमारी सीनियर प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत अच्छा, और काजमी साहब का लब लहजा ज़बान व बयान एतबार से, और मेरे ये बिल्कुल खामोशी से अपना काम करने वाले वैलेट्री में जिक्र करूँगा डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब ने कितनी खूबसूरती के, चारों मकाले बहुत अच्छे हैं। हमारे एक आध साथी नहीं जुड़ सके, पता नहीं क्यों, अगर वो जुड़ जाते तो और थोड़ा सा लुत्फ आता है इसके अंदर बाद में। डॉक्टर बद्र आप बाकायदा शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन फिर ताकीदन आपसे अर्ज़ करूँगा कि अभी 1:35 हुआ है, खाने के फौरन बाद यहाँ आ जाएं ताकि वीसी साहब को ये एहसास ना हो कि उर्दू वाले। मैं तमाम मखाला निगारान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही इस महफिल में शरीक तमाम शुरका का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे सर ने कहा कि जोहराने के बाद
आप तमाम जलसेगार में तशरीफ लाएं, वक्त की पाबंदी करें और इसी के साथ ही तकनीकी इजलास का इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई एक जरूरी ऐलान ये है कि पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि खाना खाने के बाद बर वक्त यहाँ पे तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम वक्त पर शुरू किया जा सके। और दूसरी बात ये सर, एक रस्म इजरा है किताब का, सर की किताब है तफहीम और तरसील, फर्रुख़बख्शी साहब की किताब है, उसका इजरा होना है और जो है वाइस चांसलर साहब के हाथों होना है, प्रोफेसर रिजा करीम साहब के हाथों से होना है, इसलिए आप लोग तशरीफ़ लाएँ उसमें और बर वक्त तशरीफ़ लाएँ, बार बार ये कहना है आप लोगों से। विदाउट फेल जो है 2.5-3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएँ हम लोग। आप लोग जा सकते हैं। हम सबने गलत काम कर दिया।